यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल है, तो आप उसमें ज्वाइन करें और उसको सॉर्ट आउट हो। राइट, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम अचीविंग अनदर अवार्ड। आप सबकी या जानकारी बता दूं कि दिल्ली में आयोजित बहुत ही बड़े स्टार अचीवर अवार्ड फंक्शन में एंड एस्ट्रोलॉजिकल सेमिनार में हमारे रिस्पेक्टेड मैम को स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पे आप सबको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, आप अपनी तरफ से मैम को जरूर कंग्रेचुलेशन दीजिएगा। राइट, आप अभी अपने आप को अनम्यूट। कैसा प्रोग्राम रहा आपको? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबकी तैयारी पे बहुत अच्छा हुआ। कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। कंग्रेचुलेशंस, क्वालिटी राइट मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। मैम ऑसम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबका प्यार। बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करें और मैं चाहती हूँ आप लोग भी अचीव करो मेरी तरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी हमारे ज्वाइन किया था, उनको भी सम्मानित करा गया। तो सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। चलिए, तो प्रिया जी प्रेजेंट है हमारे साथ, प्रिया जी भी वहीं पे थी। साइरम प्रिया जी, माई इवनिंग मैम, थैंक माई यू सो इवनिंग। मच मैम। आज प्रोग्राम वॉज टू गुड और आपके साथ पूरा दिन बिताया, दैट वॉज अमेजिंग। और थैंक यू, आपकी वजह से ही मैम ये अवार्ड मिल पाया है और शायद यहाँ तक तो आज तक नहीं पहुंची थी। और बहुत टाइम भी नहीं हुआ है आपको जाने, इट्स ओनली 6 months नाउ। एंड 6 महीने में 2 अवार्ड मिलना तो मैम बहुत मायने रखता है, लोगों को सालों में नहीं मिलता है। एंड थैंक्स टू यू एंड ऑल योर टीचिंग्स और स्पेशली आपका पेशेंस, उसकी तो सैल्यूट है कि आई हैव नॉट सीन एनीबडी सो पेशेंट जितना पेशेंटली आप पढ़ाते हो और हम सबको झेलते हो मैम। थैंक यू फॉर दैट। एंड यू आर रियली अ जेन्युइन एंड अ वेरी स्वीट पर्सन। मैं 2 बार पर्सनली आपसे मिल चुकी हूँ और आई एम सो ब्लेस्ड। और मुझे वाकई थैंक्स टू गॉड कि उसने आपसे मिलाया और मैम यहाँ तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, रियली थैंक यू फ्रॉम द थैंक बॉटम यू, ऑफ गॉड माई हार्ट। ब्लेस यू, कीप राइजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए, तो आज का मास्टर क्लास है हमारा ऑन वैदिक स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स एक्चुअली हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, फॉरेन, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ की, हमें स्विच वर्ड्स हेल्प करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को स्विच कर सके। एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग रेमेडी विच कैन बी यूज बाय एनी वन। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीरियड्स में नहीं कर सकते या फिर आप मतलब इसके साथ कोई अनुष्ठान नहीं है, तो कोई भी कैसे भी इसको कर सकता है। और आई होप आज सैटरडे की रेमेडी सबने कर ली होगी। मैंने ऑलरेडी शेयर की थी अपने 7:30 जिनकी चल रही है, शनि की महादशा चल रही है अभी भी। अगर आपने नहीं किया तो एक चौमुखी दिया आपको शनि मंदिर में या पीपल के नीचे जला के आना है और उसमें 5 लॉन्ग ड्रॉप करनी है, कॉइन ड्रॉप करना है, करते हुए अपनी प्रॉब्लम बोलोगे और ऐसा आपको 8 सैटरडे करना। जल्दी आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और कल तो अभी सारिका जी भी आप लोगों को छूने वाली है, तो बहुत ही अल्टीमेट स्विच वर्ड है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की एक फोटो भी आप ईस्ट में लगा सकते हो, बिकॉज ईस्ट जोन है वहां पे ग्रीनरी का। आपके घर में अगर कोई ग्रीनरी भी है तो ईस्ट में लगाइए। और कल्प वृक्ष आप लोग कल से चैंट करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी तो सारिका जी बताएंगी कि कहाँ, क्या और कैसे करना है। सायराम सारिका जी, राइट, आपने ब्यूटीफुल लेडी मैम थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रहा है मैम। वॉइस क्रैक अच्छा, हो रहा है। हाँ राइट, मैं ये सो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नाउ नाउ आवाज क्लियर आ रही मैम। है, आ रही है, आ अच्छा, रही है, अब ठीक आई है। मैं कह रही हूँ साधना मैम के लिए बहुत बहुत बधाई और कॉम्रेड्स एंड ब्यूटीफुल अवार्ड फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी जो हार्ट से भी बहुत ब्यूटीफुल है और वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच। राइट, सो सारे स्टूडेंट्स की ओर से वेलकम करना चाहेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, स्विच वर्ड एक्सपर्ट एंड द वास्तु टीचर ऑफ साइरम ट्यूशंस रेस्पेक्टेड सारिका मैम जी का। थैंक यू नमस्ते मैम, वेरी ओम मच। साइरम।
गुड ओम इवनिंग साई एंड बाबा थैंक यू राहुल टू जी, द थैंक यू, यस मैम एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास. थैंक यू जी. एंड आज का हम लोगों ने हमारा ये कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वेबिनार का है और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा लास्ट वेबिनार. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू देयर. और हम अब आगे कंटिन्यूएशन में फिर से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी स्विचवर्ड जो नए लोग जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम स्विचवर्ड होते क्या हैं और हमें उन्हें यूज कैसे करना है. तो 2 मिनट के लिए पहले एक बार आंखें बंद करके अपने प्रभु को याद कर लें, शुक्रिया कर लें उनका और अपनी भूल चूक माफ करके ये वेबिनार शुरू करते हैं. 2 मिनट के लिए बस. थैंक यू एवरीवन. चलिए जैसे कि हम जानते हैं कि ये आज का वैदिक स्विच वर्ड है, लेकिन ये सनातन वैदिक स्विच वर्ड कहते हैं. सनातन मतलब इमोर्टल, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से और हमारे जाने के बाद तब तक ये स्विच वर्ड यही रहेंगे, हमेशा यूनिवर्स में रहेंगे, इस धरती पे रहेंगे. तो ये सनातन जो स्विच वर्ड है ये क्या है और इनका अस्तित्व क्या है, ये आए कहाँ से और यूज कैसे करना. देखिए ये शुरू से ही स्विच वर्ड हमारे बीच में रहे हैं, शुरू से ही हम रोज ओम बोलते हैं, ये भी स्विच वर्ड है. हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पे, वो भी स्विच वर्ड है. जब हमारे को कोई तकलीफ होती है, विघ्न आता है, तो हम किसको बोलते हैं, किसका नाम लेते हैं, किसको याद करते हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, श्री गणपति जी को, ये भी एक स्विच वर्ड है हमारा. जब मैंने कल भी ये बात बोली थी कि जब स्विच वर्ड कैसे हम लोगों को काम करेंगे वो हमारे ऊपर है कि हमारा कनेक्शन कैसे प्रभु से जुड़ेगा. ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने किसी ने अब स्विच मतलब स्विच ऑन किया ऑफ किया, तो ऐसे कैसे हमारे को स्विच वर्ड ऑन ऑफ की तरह काम करने लग जाएंगे. मेरे को ऐसे बोला कि भाई रिलेशनशिप के लिए आप ये वाला बोल दो, तो मेरा रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, मैं इसको चैन कर लेता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा. ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी कोई भी स्विच वर्ड ऐसा काम नहीं करेगा. कैसे करेगा कि जब आपका एक कनेक्शन बनेगा, ठीक है. कैसे कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बनता है पहले प्रभु से, गॉड से. और हमारी जो बॉडी का सूत्र, हमारी पूरी बॉडी को रन करता है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड. माइंड क्या होता है, मन होता है, ठीक है. मन बड़ा चंचल होता है, वो कनेक्ट हो नहीं पाता जल्दी के, हम सब जानते हैं. तभी हम कहते हैं ना कि आप मेडिटेशन कीजिए. लेकिन जब मन है तो हमारा जो हिंदुस्तानी, हम जितने भी इंडिया में मोस्टली ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, हमारे माइंड में बचपन से ही हम देखते आए हैं, मम्मी पापा नाना नानी सब पूजा पाठ करते हैं. तो ये जो भजन, ये चालीसा, चाहे हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, ये सब हम सुनते आए हैं. तो हमारा जो बॉडी है वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है. मैंने कल भी ये बात बोली थी, कोई हमें प्रसाद देता है हम राइट हैंड आगे कर देते, हमें कोई बोलता नहीं है, हमें पता है हमने ऐसे लेना है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रिंट हुआ हुआ है. अनकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, ये हमारा मन है. मन हमें ले जाता है चुटकियों में इधर से उधर, हॉलीवुड भी ले जाएगा, बॉलीवुड भी ले जाएगा. आप यहाँ बैठे बैठे हमारा मन कर रहा है अरे कश्मीर कितना सुंदर है, वहां भी चला जाएगा. लेकिन आप अपने मन से अगर कोई चीज चेंज करते हैं, वो प्रभु तक पहुंच रहा है. आसान है उन तक पहुंचाना, कोई बात नहीं. तो उसके लिए जितना वो मुश्किल लग रहा है उतना आसान कैसे बना सकते हैं, कि जब आप कोई चीज अपने सेंस ऑर्गन से, सेंस कान नाक जीभ आंख, ये सब हमारे ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स है,
कान ने सुना, सुन के देखा, देख के ना वो यहाँ बस जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आती है कि आजकल आदि पुरुष की एड आती है, आदि पुरुष पिक्चर का हम सुनते हैं ट्रेलर, फट से याद हो जाता है, दिख जाता है कौन सी मूवी आने वाली है। क्यों? आइसक्रीम खाने का मन करता तो एकदम आइसक्रीम सामने आ जाती है। ये इम्प्रिंट है ना, आपको सबको पता है ना कि ये क्या है इसका टेस्ट। ऐसे ही अगर आप ये जाने कि आपने कोई चीज देखी और सुनी, सुन और देखने के बाद वो आपके भाव भाव बनाते हैं। भावना, मैंने कल भी आपको बताया था, भावना बनी, भावना वो वाली भावना नहीं, गर्लफ्रेंड वाली भावना मतलब दिल के भाव, भाव से विचार बनने लगते हैं। मान लो आप किसी ऐसे घर में आपने जन्म लिया जहां पर बहुत पूजा पाठ होती है, ठीक है। पूजा पाठ होने के साथ साथ आपके भाव, आपके विचार वैसे बनने लगते हैं। जब विचार वैसे बनने लगते हैं तो आपकी वाणी भी वैसी हो जाती है, बात करने का तरीका वैसे हो जाता है। जब बात करने का तरीका ऐसे होता है तो कर्म बनने लगते हैं। कैसे? मैंने एकदम आपको गुस्से में बोला, मेरा मैंने बदतमीजी से बात कर ली तो क्या हुआ? सामने वाले ने क्या सुना? एग्रेशन। मैंने अपने कर्म खराब किया उसका मन दुखाकर। कुछ भी करो, किसी का डायरेक्टली मन मत दुखाओ, घुमा के बात कर लो। अगर आपको, कई लोग कहते हैं ना बड़े मीठे लोगों से बचना चाहिए, जो लोग बड़ी बातें बनाते हैं ना उनसे बचना चाहिए, जो सीधा बोलते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं नहीं मानती। मेरा मानना है कि आपके अपने बच्चों को या किसी को ऐसे बोलना है कि तुम बहुत ही बुरे लग रहे हो आज, या ये क्या पहना है, तो उस बंदे को क्या लगा है, क्या पहन लिया मैंने ये। इंस्टेड यू कैन घुमा के बात कर सकते हो, इस ड्रेस में इस इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम उस ड्रेस में अच्छी लगती हो या उस कलर में अच्छी लगती हो। बंदा बड़ा एंथुजियस होके, अच्छा अच्छा चल मैं वो पहन ले, मेरा मतलब समझ रहे हो। मैं मानती हूँ कि मुंह पे नहीं बोलना चाहिए, मैं इस फेवर में आज तक नहीं रही। डिप्लोमेट अच्छा होता है थोड़ा सा बनना, मैं थोड़ा सा कह रही हूँ, थोड़ा सा। मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेट में दो बातों में फर्क है। तो क्या हुआ, जब कर्म आपके बन गए, वो कर्म आपके संस्कार बनने लगते हैं। जब वो संस्कार बन जाते हैं तो वो व्यवहार में झलकने लगते हैं। जब व्यवहारी आप ऐसे व्यवहारिक होते हो, खाने को पड़ना, बुरा झूठ बोलना, हर बात पे टोकाटाकी करना, फिर तो वो क्या हो गया, आपका व्यक्तित्व बन गया। कहते हैं ना लोग, आप अच्छा आप उनके घर के पास रहते हो, अरे वो बंदा तो ऐसा है, हमने सुनी है ना ये बातें, क्यों उस बंदे का व्यक्तित्व बन गया ऐसा। प्लीज अपने तो मोबाइल ऑन कर लीजिए वीडियोस, ताकि मैं कनेक्ट तो हूं, बिल्कुल ही नाम ही नजर आ रहे हैं, स्नेहल, ललित, स्मितांजलि, बिलियनेयर प्रिया, आई नो हर, एंड प्लीज राइट अपने नाम वीडियोस ऑन करो राइट मैम, बच्चों। हाँ, क्योंकि ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी मैं सो तो। काइंडली स्विच ऑन अवर वीडियोस, क्योंकि ये हमारा मास्टर क्लास है और इसमें हमारे पेड कोर्सेस के क्लासेस शेयर किए जाते हैं। सो एज ए ग्रेटिट्यूड आप अपना वीडियो ऑन रखें। प्लीज कर लो थोड़ी देर के लिए। हाँ ठीक है। तो व्यक्तित्व जब किसी का बन जाता है, उसे उसे चेंज करना बड़ा मुश्किल है। वो वही कर सकता है जो अपने प्रभु से जुड़ा है। अब देखिए, हम स्विच वर्ड की बात करते हैं, बहुत लोगों ने उसमें देखा होगा, अलग अलग वेबिनार्स में, गूगल में बहुत सर्च करते हैं हम लोग आजकल, ठीक है। तो हमें पता भी चलता है ये स्विच वर्ड है, ये स्विच वर्ड है। वो आप कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं ही बताऊं तो करना है, नहीं। पर आज जब हम जुड़े हैं तो शायद कुछ अच्छा सोच सुनने के लिए और अच्छे रेमेडीज जाने के लिए जुड़े हैं। भगवान चाहता था हम सब इकट्ठे हो जाएं आज। तो स्विच वर्ड्स को हम कैसे समझ पाएंगे? जैसे हमारे को गर्मी लगती है, पंखा ऑन करते हैं या लाइट चाहिए तो स्विच ऑन करते हैं, तो हमें वो रिलीफ मिल जाता है। ऐसा ही रिलीफ आपको ये सनातन वैदिक स्विच वर्ड देंगे, ठीक है। अब ये देंगे कैसे, जब आपका कनेक्शन बनेगा। वो कैसे बनेगा? हर स्विच वर्ड का अपने एक 33 कोटि देवी देवता है, ठीक है। जैसे हमारे
हमारे जैसे सरकार में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल अलग है, रक्षा विभाग अलग है, होम मिनिस्टर अलग है, ऐसे हमारे 33 कोटी देवी देवताओं में प्रकार है ये। किन्हीं को जैसे काली माता है, जैसे काली माता का ध्यान आता है तो हमें क्या ध्यान आता है, भूत पिशाच जो ऐसे नजर लगती है या कोई नेगेटिविटी को भगाना है तो काली माता का ध्यान, ठीक है, वो उनका जीवात्मा। गणेश जी विघ्न हरता है, कोई शुभ काम करने से पहले उनको हम प्रेयर करते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो जो स्विच वर्ड है वो हमारे देवी देवताओं से कनेक्टेड है। जब मैं आपको ये कोर्स में कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कि ये वाला स्विच वर्ड यहाँ से लिया गया है, आप उसे वहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्विच वर्ड आपको देवी देवताओं से जोड़ेगा। देखो जब हम लोग ये करते हैं ना स्विच वर्ड, उससे दो बातें होती हैं, एक तो भगवान का नाम लिया जाता है जो हमें शायद याद भी नहीं रहता लेना, हम आते जा हमें पता है सुबह उठ के पूजा करनी है ना हाथों की, आधे आधे मन से कई बार तो मैं भी ऐसी हो रही होती हूँ, जल्दी में होती हूँ, अच्छा भगवान जी चलो ठीक है, होता है ना हम सबके साथ है। लेकिन जहां आपको जो समय मिले, चाहे सो के उठते मिले या सोने से पहले मिले, आप पूजा जरूर कीजिए, पलंग पे बैठ कर भी कर सकते हैं, माफी मांग लीजिए भगवान जी से और बताइए कि सुबह से शाम तक हमारे ने मैंने ये किया मैंने वो किया। यकीन जानिए जब अपनी बातें बताते हो ना भगवान से, भगवान भी सुन के बहुत, उन्हें ये लगता है इसने मुझे अपना बनाया हो रहा है ना अपना। अब ये कैसे पता चलेगा भगवान जी को, अगर आप अपने बच्चों को देखो, आजकल बच्चे सारी बातें नहीं बताते, फीलिंग आने लगती है ना, अपने में मस्त रहते हैं बच्चे, माँ बाप है समझते ही नहीं है, बता आके बोल देते हैं हम जा रहे हैं अभी आते हैं, बताते नहीं है, तो कैसा फीलिंग हमें होगी ना, सेम फीलिंग प्रभु को होती है। प्रभु ये कहते हैं कि आप उनसे बताओ, मैं अभी वेबिनार से पहले बोली थी भगवान को, मैंने कहा प्रभु लड्डू जी वेबिनार है साथ रहना, क्यों कि वो साथ रहे हमारे अंग संग, उससे क्या होगा एक हमारा कनेक्शन बनेगा, जब कनेक्शन बन जाएगा बड़ा सॉलिड। ओके ओके मिस्टर अहमद, दैट्स नाइस टू नो कि आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे बात करूंगी, हम उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। तो स्विच वर्ड्स में क्या होता है, जब हम कनेक्ट होते हैं, अब मेरे को तकलीफ आई और मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, फटाफट भगवान सुन ले मेरी, क्यों भाई, भगवान ये कहते हैं कि आप अच्छी बातें करो, अच्छे कर्म करो, झूठ मत बोलो, कितने कितने जो है लोग सुनते हैं वो बात, आप कितनी बात प्रभु की मानते, कितने हमारे गुरु बोलते हैं कि आप लिंक करो अपने आप को भगवान से जोड़िए, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि भगवान मेरी एक मिनट में सुन ले मेरी, नहीं, आप अपना कनेक्शन हमेशा बनाए रखिए और उसको जोड़ने के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है, आप और प्रभु बस, क्या किसी को वॉइस क्लियर है ना? यस मैम, थोड़ा सा जैसे आप बैक जाते हैं तो थोड़ा साउंड डिस्टर्ब होता है, चलो मैं पास में रहती हूँ, तो आपको ये बंधन अपने प्रभु से बनाना है, और इतना ब्यूटीफुल है ना ये, यहाँ जितने भी आप लोग आए हो सबकी सोल अच्छी होगी तभी तो ये सुनना है, वरना कितने किसके पास टाइम पड़ा है कोई ना कोई बात सुनने के लिए किसी की। तो मैं ये आपसे ये चीज बताना चाह रही हूँ कि आप जो कनेक्शन बनाएंगे वो प्रभु को इंस्टेंटली आप उनके सामने आ जाओगे, ठीक है। अब स्विच वर्ड क्या करता है, हमारे स्विच वर्ड्स बना जब हम चेंज करते हैं, अब वो काम कैसे करेगा, एक तो चेंज करके काम करेगा, एक आप उसे ब्लो कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये मेरी चाय है और मैं उनको बोल सकती हूँ प्रभु कोई भी मेरा स्विच वर्ड है उसे फूंक मारो, फिर चैंट किया, फिर ये मेरा इतना ज्यादा प्योर हो जाएगा कि ये मेरी वाइब्रेशन से हिलेगा, है ना, वाइब्रेशन से हिलती है ना चीज, तो वो आपकी मेमोरी ले ली, पानी की भी मेमोरी होती है मालूम कैसे, पानी जब लहरें पानी अगर स्टिल होता है तो उसके ऊपर से हवा जाती है तो पानी की शेप बनती है, देखा आपने किसी ने, तो ये चीज जब पानी में मेमोरी होती है
राइट। तो जब मैंने इसको फूंक मारी और मैंने पी लिया, तो वो जो स्विच वर्ड जिस प्रॉब्लम के लिए मैं चेंज कर रही हूँ वो मेरे अंदर आया और मुझे वो हील करेगा, ये अजमाई हुई बात है। फिर मान लो और किस तरीके से उसे चेंज करना है, ब्लो करना है और बर्न करना है, कैसे? कई ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जो आपके बच्चों की नजर उतारने के लिए, आपको खुद को नजर उतारने के लिए, घर की नजर उतारने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है? वो नजर जब उतारेंगे तब उसको जला करना, उसको जो आपने चैट किया है। मैं बता देती हूँ आपको करना कैसे है। कोई इंटरेस्टेड यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं और उसका कोई उपाय चाहते हैं? नहीं तो फिर आगे बढ़ू मैं। चाहते हैं? मान लीजिए मैं आपको चैन, पहले आपको वर्ड बताती, एक स्विच वर्ड है जो हम अपने नजर उतारने के लिए भी काम आता है और नजर उतार, जैसे किसी की नजर भी लगी है और कोई ड्रिंक बहुत करता है, मान लो कोई एक बुरी, वो भी तो नेगेटिविटी है ना, बुरी जो हमारी आदत है, चाहे वो स्मोक की है, चाहे वो आपकी ड्रिंक की है, तो उसको अगर हमने छुटकारा पाना है तो वो भी एक तरह से ये बुरी आदत है, नेगेटिव एनर्जी है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को हम खत्म करने के लिए एक स्विच वर्ड है क्रीम। क्रीम क र और, ठीक है? तो वो आप उसको चैंट कर, अब मान लो मैंने क्रीम लिखा, एक 11 छोटे छोटे पर्ची ले लो, 11 छोटी छोटी पर्ची लेके काट के पेपर की, उसपे लिखो क्रीम और नीचे लिख दो नाम जिसका हमने नजर उतारनी है, जिससे हमें ये नेगेटिविटी हटानी है। अगर तो वो इंसान आपके सामने है तो आप, बताती हूँ क्रीम लिख के दिखाती हूँ, आप वेट कीजिए। तो आप पहले पूछ सुन लीजिए ना, तब आप क्या कीजिए, मान लो किसी को नजर उतारनी है, बच्चा है या बड़े हैं, वो सामने बैठे हैं, आप एक एक पेपर 11 पेपर काटेंगे, एक पेपर ऊपर से लेके नीचे तक उसके ऊपर ऐसे करेंगे और उसे जला दे, ठीक है, कपूर से जला लीजिए। फिर दूसरा पेपर लीजिए, ऐसे ऐसे करके आप उसे जला सकते हैं, फिर उसको रख दीजिए। तो ऐसे 11 के 11 पेपर क्रीम चेंज करना है आपने, 11 बार चेंज हो जाएगा। तो ये, एक्सक्यूज मी, हु इज दिस? तो हम लोग ये थे कि 11 बार आप उसको जलाकर उसे ऐश आ गई, आप उसे बहा सकते हैं या कहीं जाके उसे थ्रो कर दो या बर्न कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी, हटा दो इसको अपने अंदर से। कोई भी नेगेटिव आदत आप हटा सकते हो, नेगेटिव सिचुएशन हटा सकते हो, नजर लगी हुई उसको हटा सकते हो। तो ये मैंने आज आपको जो स्विच वर्ड दिया, ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड और भी हैं जो आपको ये 2-3 स्विच वर्ड आप एक पेपर पे लिख के उस बंदे का नाम लिख लीजिए, प्रॉब्लम लिख लीजिए। बहुत ही अजमाई हुई ये चीज है, तो आप आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो तरीका है स्विच वर्ड्स को यूज करने का, चेंज करा या ब्लो करा या जला दिया या पानी में बहा दिया या मिट्टी में दबा दिया, ठीक है? अब मैं उस पे आती हूँ कि आपको जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है? आपने जो भी सुना हो, कई बार आपने देखा होगा रास्ते में कोई गाना बजता हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे गुनगुना भी रहे होते, क्यों? वो रजिस्टर कर चुका होता है अनकॉन्शियस माइंड में, बहुत सॉलिड होता है अनकॉन्शियस माइंड। रात को सोते हो तो कई बार आपको वो सपना आ जाता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता, लेकिन पता, एक बार थॉट आया, हटा दिया, लेकिन वो रहता है आपके माइंड में, वो रहता है आपके माइंड में। तो हम क्या करेंगे, अनकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग और प्योर रखिए,
जो भी स्विच वर्ड करते हैं नॉन वेज खाने के इमिजिएट नहीं करना, ठीक है? जो स्विच वर्ड मैं आज दे रही हूँ उसके वो सारे स्विच वर्ड्स पे लागू होता है। फिर आपने जो आपके लेडीज को अपने सर्कल के टाइम नहीं करना है, सुन सकते हो, चेंज नहीं कीजिए। फिर रेड पेन से लिख सकते हो अपने लेफ्ट हैंड उसमें, राइट लेफ्ट पार्ट बॉडी पार्ट पे, और उसके बाद आप इसे आजमाइएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कनेक्ट होकर जब, जैसे मैंने आपको बोला श्रीम कल दिया था ना फाइनेंस का, मैरिज के लिए देती हूँ नीलम जी, तो उसमें क्या होगा, आपने श्रीम सोचा, ठीक है, आपका कनेक्शन गॉडेस लक्ष्मी से जोड़ा आपने। अब आपने इमेजिन किया कि शी इज, मतलब जो भी क्वाइंस है या पैसा है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, यहां से आ रहा है, हो सकता है आप उसको इमेजिन कीजिए किसी ने लिया हुआ था वो वापस आ रहा है। जस्ट इमेजिन एंड सी थिंग्स आर हैपनिंग। जो भी स्विच वर्ड है ये अट्रैक्शन ऑफ, आपने देखा होगा मैनिफेस्ट भी करते हैं हम तब भी काम आते हैं, जिस इक्वलाइज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो मेरी यकीन मानो, बस उसको अच्छे भाव से उसी को बोलो, सारा दिन बोलो मेरे को बहुत अच्छा घर मिल गया, मेरे को बहुत अच्छा सुंदर घर मिल गया, जैसा मुझे घर चाहिए था मुझे मिल गया, सच में मिल जाता है। यहाँ ऐसे 10 बार लिख लो रोज 11 बार पेपर पे, जैसे मैंने किया था, मेरी डॉटर का एडमिशन करा हो, नहीं हो रहा था लॉ में, लॉ फैकल्टी में, तो मैं रोज लिखती थी माय डॉटर इज वेरी हैप्पी इन सीएलसी, सीएलसी मतलब लॉ में, एंड माय सेकंड नंबर पे मैं लिखती थी माय डॉटर गोइंग डेली टू द कॉलेज लॉ फैकल्टी शी इज वेरी हैप्पी। फिर थर्ड में आती थी शी टुडे शी वेंट विद हर फ्रेंड्स टू हर लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज लॉ कॉलेज में बार बार लिख के अलग अलग सेंटेंसेस में लिखती रही, और सच में उसका एडमिशन हुआ फाइनल ईयर में, फाइनल के एग्जाम के। मैं आपसे ये बात इसलिए, मेरे को कोई नंबर नहीं बनाने, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं अपने कर्म नहीं खराब करती, ठीक है, मैंने ये किया है इसलिए मैं आपको बता पा रही। जो आप लिखोगे, अब मान लो किसी ने शादी के लिए नीलम मैम कह रहे हैं आप, मैं आपको पहले वो दूंगी स्विचवर्ड शादी का अपने बेटे के लिए, आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको बोलो जिसकी शादी होनी है अगर वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप कीजिए, आप लिखिए एफर्मेशन में वही चेंज की जगह आप लिखिए अपने स्विच वर्ड, स्विच वर्ड को लिखिए और वो इस भावना से लिखिए प्रभु मेरी सुन रहे हैं और वो जरूर इसको ठीक करेंगे, मेरे बच्चे की शादी अब जल्दी हो जाए, हो गई शादी, हो गई। प्रेजेंट सेंटेंस में लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है उस स्विच वर्ड में, ये रेड कलर का युवराज जी। और एक बात मैं बता दूं, जो भी स्विच वर्ड हम अभी करेंगे क्लास में सब बताएंगे आपको अभी, उसमें मैं और भी रेमेडी दूंगी जो रिलेशनशिप से भी हूं, अभी आज हमारा ये प्रोग्राम आज का रिलेशनशिप पे है, ठीक है। अब रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप क्यों खराब हो जाते हैं, कईयों का मंगल भारी होता है, पता है ना आप लोगों को, जो लोग मंगलिक होते हैं, मंगलिक होने से कोई मतलब नहीं है कि ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक वैसी बात बता रही हूँ, जो मंगलिक होते हैं वो उसकी शादी लेट होती है। मंगल क्या होता है, एनर्जी, यानी उस बंदे पर्टिकुलर बंदे या बंदी में बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी को मैच करने वाला, इसीलिए कहते हैं जिसका मंगल भारी होता है सेम मंगल भारी वाले से शादी करें, क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी मैच हो जाती। अगर ऐसा नहीं होता, एक बंदा बहुत एनर्जेटिक है दूसरा नहीं है, तो डिफरेंसेस आते हैं, एंड में वो रिश्ता टूटता है। इससे कोई मतलब नहीं कि फैटल होता है, नहीं, क्यों, तो बंदा बहुत स्ट्रांग और एनर्जेटिक होता है, इसीलिए मंगल भारी होना होता है। लेकिन अगर आप आज जो भी हम लोग यूज करेंगे स्विच वर्ड्स, आप स्विच वर्ड्स को यूज करेंगे, वो अलग चीज है, अगर वो मंगल है या मंगलिक है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपको भगवान वो इनसाइट दे देगा कि शादी क्यों नहीं। मैंने तो ये न्यूमरोलॉजी में भी आप सबको बताया था कि कोई कॉम्बिनेशन होता है 6-3 का, याद है सबको बताया, तो होता क्या है,
कॉम्बिनेशंस भी न्यूमरोलॉजी के मोबाइल में होने की वजह से शादी नहीं होती। फिर ये प्रॉब्लम भी आता है कि जो अड़चने आ रही है, लड़का देख के चला गया या लड़की वाले देख के चले गए, बात ही नहीं आगे बढ़ रही, तब आगे हम रिलेशनशिप कैसे करेंगे, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, अट्रैक्शन कहीं और हो जाती है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती लड़का लड़की में, कई बार शादी होने के बाद बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, उन डिफरेंसेस आते हैं तो तलाक तक बात आ जाती है। उसकी आज एक रेमेडी भी दूंगी मैं आपको, एक ही दूंगी, बाकी मैं क्लास में दूंगी, ठीक है, वो थोड़ी लंबी भी है। तो आज हम रिलेशनशिप पे बात कर रहे थे कि खराब क्यों होते हैं, ठीक है, जो रिलेशनशिप आधे तो हमारे मोबाइल ने ही खराब कर रखे हैं, हमारे पति या पत्नी से ज्यादा मोबाइल हमारे पास होता है 24 घंटे, सोते हुए भी हमें रात के 2 बजते हैं, जब आंखें अपने आप बंद होती है तो साइड पे फोन आ जाता है, जितने भी क्लास में बच्चे या भाई बहन भी सब मिलते हैं ना, एक लाइन में बैठे होंगे एक कमरे में, सब अपने मोबाइल पे हो, कैसे रिलेशनशिप रहेगा। एक हैबिट बना लीजिए, जब मोबाइल, इसीलिए मोबाइल का नंबर अच्छा होना चाहिए, जो वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए कि पास आप यूज भी कर रहे हो ना, तो वो आपको रिलेशन को खराब ना करे, ठीक है। मोबाइल का कलर ऐसा होना चाहिए कि जो आपको वाइब्रेशन अच्छी दे, राइट। अब हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मैं एक क्रिस्टल का भी बताऊंगी, और आज आपको जो मैं दे रही हूँ, शादी का भी, मैरिज का और रिलेशनशिप का, ठीक है। तो एक हम बताते हैं आपको, जिन्होंने ऐसे लड़का लड़की जो आपस में दे आर इन लव बट समहाउ पेरेंट्स नहीं मान रहे और शादी नहीं हो रही, तो आप एक रिलेशनशिप का एक मैं दे देती हूँ, स्वयंवर, ये वो लोग यूज करें जिनके ऑलरेडी कमिटमेंट है। देखो कोई भी स्विच वर्ड को ना एथिकली यूज कीजिएगा, काम करता है ये बहुत बुरी तरह, सारे बहुत अच्छा काम करेंगे, काम करके देंगे आपको, लेकिन स्वयंवर स्वयंवर हो या कोई और वर्ड, एथिकली सिचुएशंस पे यूज कीजिएगा, बाकी जहां जरूरत है। स्वयंवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल सर, अच्छा वो लिख के दे दीजिए राहुल सर सबके लिए, जी जी मैम, स्वयं, यस स्वयंवर। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो टू गेट डिजायरेबल हस्बैंड, एक बेटी है जो बार बार रिश्ता मना कर देती है, नहीं मम्मा मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो she is actually looking for somebody whom she think that I can click with, तो आप उसके लिए उसके बिहाफ पे नहीं कर सकते, आप उसको बोल सकते हो कि मेरा ये वाला स्वयंवर तुम चैट, ठीक है, to attract soulmate, आत्म साथी को आकर्षित करने के लिए ये चैंट कर सकते हैं आप, स्वयंवर, ठीक है। और विवाह के लिए एक रामचरित्र मानस से छुपाई भी है, सुन लीजिए, मैं मांगे लिख के भी देती हूँ, तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुति की रीति उर्मिला कुआरी लई हंकारी के। तो ये इस तरह की जो छुपाइयां हैं जो सिद्ध होती है अपने आप में, आप इसे लिख कर किसी पेपर पे, व्हाइट कलर के पेपर पे रेड पेन से आप लिखो और ऐसी जगह भी लगा लो, आते जाते वो दिखे आप, और प्लीज आते जाते जब देखोगे तो इतना मन से नहीं उसको चैंट कर पाओगे, तो जब भी समय मिले, रात को सब काम वाम रसोई वसोई पूरी होगी, बैठे हैं बेड पे सोने जा रहे हैं, तो 5 मिनट कनेक्ट होके अपने प्रभु से, ये देखो ये जो रामचरित्र मानस तो राम जी और सीता जी से है ना, हाँ जी, रेड पेन से, तो आपने
उनको ध्यान में रखते हुए आप चेंज कर सकते। एक बात बताइए, आप सब लोग यहाँ हैं, आपने देखा जब शादी का कार्ड बनता है तो राम जी और सीता जी का ऐसे पिक्चर लगाई जाती है, राम और सीता की लगाते हैं ना शादी की, जबकि वो जिंदगी भर दो अलग ही रहे। मानोगे ये बात? कितने सा कितने मतलब उनमें बिछो, पहले वो लव कुश को भी जन्म दिया तो अकेले उन्होंने दिया, पहले वो वनवास में गए तो सीता हरण के बाद राम जी अलग हुए, फिर उसके बाद किसी धोबी ने कह दिया तो राम जी ने उनको छोड़ दिया। तो आपने ये देखा, हम लगाते तो वहां पर वही है फोटो, लेकिन साथ वो कभी नहीं रहे, ऐसे पति पत्नी कितना कम रहे। फिर क्या वजह कि हम उनका लगाते हैं बताओ? वो कनेक्ट थे दिल से, राम सीता जी के साथ थे और सीता जी राम जी के साथ थे। बताती हूँ छपाई में ना, तो वो कनेक्शन एक सोलमेट का है, वो कनेक्शन सोलमेट का है, अंडरस्टैंडिंग का है। सीता जी को पता है मेरे राम मुझे लेने आएंगे, है क्या कॉन्फिडेंस आज हमें? हमारे हस्बैंड हमसे कुछ कह भी देते हैं, आपको तो नहीं पता, चुप रहो, कितनी बार ऐसे हम कह देते हैं। शुद्ध फेथ, ये अटेंशन, ये अट्रैक्शन, ये कनेक्शन आप अपने हस्बैंड वाइफ, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो ये है आजकल की कमिटमेंट है तो तब तो ये रिश्ता चलता है, जब कमिटमेंट ही टूट जाती है हस्बैंड वाइफ ही अलग हो जाते हैं बिकॉज कनेक्शन नहीं बन पाता, तो कनेक्शन बनाए। एक और एक मैं आपको देना चाहती हूँ, आपको दे देती हूँ, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये भी श्री कृष्ण जी से लिया गया, प्यार के लिए, लव लाइफ के लिए और सोलमेट अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए, राधा कृष्ण। और इसे पूरा आप कनेक्ट होके करेंगे तभी हो पाए, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा होता है कई बार कि आप हस्बैंड वाइफ की हमारी बन नहीं रही है कोई भी वजह, हां जी राधा कृष्ण नहीं बन रही है, लेकिन कोई रीजन चाहे व्हाट सो एवर इट इज द रीजन, नहीं भी हम एक कई बार समझ पाते यार मैंने तो कुछ कहा नहीं, क्यों लड़ाई हो रही है हमारी आपस में, क्यों नहीं बात कर रही वाइफ या हस्बैंड, तो आप एक और चीज चेंज कीजिए। आज तक शायद किसी ने पता नहीं बताया है, नहीं बताया है, ये बुद्धा जी से कनेक्टेड है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें सोल्यूशन आएगा, उपाय आएगा, समझौता, कॉम्प्रोमाइज करेगा, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन नहीं होती ना, मीडिएशन, मीडिएशन करने वाला भी मिल सकता है या हो सकता है आपस में दोनों का अपने आप ही समझौता हो जाए, ठीक है? मेडिटेशन, कौन सा है वो स्विच वर्ड? सम्यक मार्ग। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, राइट? एक मैंने आपको बोला था जी, सो बहुत ही जी मैम, राइट? एक तो क्रीम था, यस मैम, ये सम्यक मार्ग है, ये आपको उन लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकता है जिनकी प्रॉपर्टी की डील नहीं हो रही है, जिन्हें ये लग रहा है कि मेरे को बायर मिला हुआ है तो मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो ये मीडिएशन का काम करेगा, सम्यक मार्ग, ठीक है? तो ये आपके रिलेशनशिप में भी काम करेगा। देन राधा कृष्ण बताया मैम, लिटिल बिट वॉइस क्रैकिंग, ठीक है? फिर स्वयंवर बताया, ओके, मेरा ना इंटरनेट का कनेक्शन समझ नहीं आ रहा, कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम, अब आ रहा है आवाज अच्छे से? यस नाउ क्लियर, और थैंक यू राहुल जी। So this is
हाँ जी, तो ये सम्यक मार्ग आपके लिए आपका काम करेगा, रिलेशनशिप को ठीक करेगा अगर वहां। अब इसे करना कैसे है, मैंने जैसे आपको समझाया है आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्रीम फॉर नॉट क्रीम, नो क्रीम, यस क्रीम, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। क्रीम, ओके क्रीम में, ये काली माता जी से जुड़, काली देवी है हमारी, उनसे लिया गया है ये, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो मैं आपको ये बता रही थी कि अब शादी के लिए भी मैंने दे दिया है नीलम जी, ठीक है, और आपको उपाय बताया मैंने। हाँ, ये उपाय ही तो है सारे स्विच वर्ड्स, होगा तभी जब आप बड़े दिल से अच्छे भाव से ये करेंगे। व्हाट इज क्रीम फॉर, क्रीम फॉर नजर उतारना, बुरी नेगेटिविटी उतारना, उनके लिए है आज का टॉपिक। वैसे तो रिलेशनशिप पे ही है, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे रिलेशनशिप किस तरह का है तो भी अदर्स के लिए भी कर सकते हैं। हाँ जी, चौपाई बताना था, हाँ बता, वो भी लिख के दू देती हूँ विभाग। वैसे तो प्रेम विद्धि के लिए भी है, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, ये भी है एक प्रेम विधि के लिए। मैं आप लोगों को दे रही हूं विवाह के लिए, सारी याद नहीं रहती ना, देखना पड़ता है मुझे। हाँ जी, आ जाइए, हाँ जी सब बोलिए जी, मैं मेरी बात उन्हें समझ नहीं आते। राजन जी जरा अपना हैंड फॉर कॉन्फिडेंस, देखिए बहुत सारे स्विच वर्ड्स है, मैं इतने सारे 151 स्विच वर्ड्स, सो जस्ट इमेजिन के इतने सारे स्विच वर्ड्स एक यहाँ पर शादी जल्दी करवाने के लिए क्या करें। देखिए मैंने आपको जो स्विच वर्ड दिए हैं वो शादी के लिए ही दिए, right. वो शादी के लिए ही दिए मैंने। मैम जैसे कि आप बहुत पावरफुल यस आई एम गॉडेस मदर दे रहे हैं ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के लिए, तो जो हमारा आने वाला वर्कशॉप है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को एक बार इंफॉर्मेशन दे देते हैं मैम। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रहे थे कोर्स के बारे में, कैन आई शेयर मैम? यस यस प्लीज डू दैट, आप राइट कर दीजिए शेयरिंग, जी जी सो फिर जैसे मैं उनको ना आप रिलेशनशिप के लिए क्रिस्टल भी दूंगी, ठीक है, राइट राइट क्रिस्टल राइट बताऊंगी। राइट सो आप जुड़े रहे, आपको क्रिस्टल के बारे में भी मैम बताएंगे, एंड बहुत सारे पावरफुल स्विच वर्ड्स भी दिए जा रहे हैं, उनके जो महात्म्य है वो भी आपको बताया जा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे 4 डेज एक्सक्लूसिव वर्कशॉप, एडवांस वैदिक स्विच वर्ड का वर्कशॉप, और इसमें स्पेशल ब्लेसिंग्स आपको कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कॉर्ड कटिंग ही करवाते हैं किसी भी हीलर से तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 5,000 पे करने पड़ते हैं, लेकिन वो पूरा वर्कशॉप आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है कि आपका कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो और आप उस पीछा छुड़ाना चाहते हो, या फिर डे टू डे लाइफ में हम कहीं भी जाते हैं किसी से भी कनेक्ट होते हैं तो वहां पे हमारे उनकी नेगेटिविटी भी कनेक्ट हो जाती है, उससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आजकल के टाइम में जैसे आप जानते हैं 2020 में कोरोना वायरस आया था, एंड उसके बाद से ही हम बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और काफी सारा वायरस हाय सविता जी, आप वो कहाँ
आवाज नहीं आ रही है आपकी राहुल जी? मैम यस यस आई वाज डिस्कनेक्टेड. ओके ओके सो यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 26 जून से 7:30 PM ऑनवर्ड्स लाइव रहेगा वेब पे. रिकॉर्डिंग पीडीएफ विद ई सर्टिफिकेट भी आपके लिए रहेगा और उसके साथ कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप भी रहेगा एंड स्पेशल ब्लेसिंग्स. जैसे मैम कल बता चुके थे, मैम कल वाला जो स्पेशल ब्लेसिंग है आज कंटिन्यू रखेंगे मैम? हाँ हाँ मैं बता देती हूँ. आई विल एक्सप्लेन इट इफ यू वांट मी टू. तो मैं बता देती हूँ कि क्या करूंगी मैं. देखिए जो हमारा कोर्स शुरू होगा उसमें मैं एक तो ये बताऊंगी कि जैसे कोई ऐसे नंबर भी होते हैं जो हमारी हमें मिसिंग प्लेनेट होते हैं, ठीक है. उस उन मिसिंग प्लेनेट तो मिसिंग नहीं हो सकते लेकिन हमारी राशि में नहीं, ठीक है, जो डेपिलेटेड है या जो जो रेट्रोग्रेट है या जो ऐसा जो अच्छा भाव नहीं दे रहे. तो मैं आपको हाथ में कौन से पर्वत पे क्या लिखना है एक तो वो बताऊंगी. ये बहुत जरूरी है. पूरा आपको कोर्स में बताया जाएगा किसके नीचे क्या है और कैसे करना है. दूसरी बात आपको ये मैं समझाऊंगी कि डिस्टेंस हीलिंग रेकी से कैसे दी जा सकती है. तीसरा मैं ये बताऊंगी कि आप जब सोकर उठते हो कौन सी नाड़ी के टाइम जो एक्टिवेट है जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज हमारे में होती हैं, जो बहुत कई बार ओवर पावर एज अ वुमेन. इफ आई एम अ वुमेन तो मैं जब आदमियों की तरह बिहेव करने लग जाऊं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊं तो इट्स नॉट गुड फॉर मी और फॉर माई फैमिली. तब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, अपनी इस तरह का चेंज करना है कि वो मस्कुलिन जो मेरी पावर्स है वो शांत होके मैं फेमिनिन में आ जाऊं. फेमिनिन कौन सी होती है, जैसे थोड़ा रोना रो पड़ना जल्दी. याद है मैंने कल भी बताया था कि जब आदमी लोग रोते नहीं है, ठीक है, उन्हें लगता है यार रोना अच्छा नहीं होता, लाइक हमको लड़की है. नहीं ऐसा नहीं, रो सकते हो आप. कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, या कई बार हम अब मैन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वुमेन इन सर्टेन वेज, तो उनके लिए कौन सा स्विच और कैसे कितने टाइम चैंट करना है कि सेम स्विच वर्ड अगर लेडी चैंट करेगी तो वो कितने टाइम करना है, अगर आदमियों ने करना है तो कितने चैंट करना. सो आप उसको सब बैलेंस कर सको. तो मैं ये सिखाऊंगी. इट्स अ न्यू एडिशन दिस टाइम बिकॉज ये एडवांस वैदिक स्विच वर्ड है. इट इज नॉट ओनली स्विच वर्ड वैदिक स्विच वर्ड, ये एडवांस्ड है. सो लाइव रहेगा जूम ऐप पे. रिकॉर्डिंग पीडीएफ विद ई सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा. द स्पेशल ब्लेसिंग्स इज आज से मैम बता रहे थे कि आपको और हमारे आज के जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए मास्टर क्लास में उनको भी स्पेशल ब्लेसिंग दिया जाता है कि ये वर्कशॉप आप 999 ओनली में कर सकते हैं. दैट इज 999 ओनली. इसमें आपको कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा. सो उसके लिए आपको जी पे फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पे करना है. नंबर इज 9115120675. पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे. एंड ये हमारे बैंक डिटेल्स हैं. अगर आप बैंक के थ्रू भी पे करना चाहते हैं तो इसी पेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और अगर जी पे फोन पे में पे करना चाहते हैं तो इस नंबर पे पे करेंगे. इसके बाद इसी नंबर पे ही आपका नाम पेमेंट का स्क्रीनशॉट पे कर देना है ताकि आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा. और उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स के जैसे क्वेरी आ रहे थे कि अगर कुछ पूछ रहे हैं लोग अमाउंट, तो मैंने जी मैम अभी चैट बॉक्स में ओके मैम अभी चैट बॉक्स में लिख देता हूँ. जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो हमारा वर्कशॉप है रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली कनेक्ट अस ऑन ऑफिस. आपको 2766 में हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप भी दिया जाएगा और उसके साथ 151 रामबन वैदिक स्विच वर्ड का वर्कशॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा. तो अगर आप 2766 पे करके मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में ज्वाइन करते हैं उसमें 26 जून से स्टार्ट होने वाला रामबन वैदिक स्विच वर्ड का वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा.
तो आपको सेम नंबर पे ही जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पे करना है, 9115120675, और उसी नंबर पे ही आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपका नाम सेंड कर देना है, ताकि आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट सिर्फ एडवांस वैदिक स्विच वर्ड का वर्कशॉप वो पे करेंगे 999 ओनली, और उसके बाद उनको स्विच वर्ड्स के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा 4 डेज लगातार, और उसी में आपको कॉर्ड कटिंग का भी नॉलेज दिया जाएगा, जो कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री रखा गया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जून, टाइमिंग रहेगा 7:30 PM, लाइव रहेगा जूम ऐप पे, रिकॉर्डिंग विद PDF भी दिया जाएगा, और आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ कोर्स आपको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जी मैम, तो आज मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी। देखिए, रिलेशनशिप है तो मैं रिलेशनशिप के लिए आपके वास्तु की एक बात बता रही हूँ। आप एक तो वास्तु के लिए कि जिनका भी घर की डायरेक्शन रिलेशनशिप की स्किल्स की और एंसेस्टर्स की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, ठीक है। अब आपका कई बार क्या होता है, बावजूद मैंने चेंज भी कर लिया, यस 999 हो गया, चेंज भी कर लिया, मेरा भैया मेरे तो कुंडली में भी सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है, और न्यूमरोलॉजी, फिर भी क्या प्रॉब्लम है जो मेरी रिलेशन वर्कआउट नहीं हो रहा है। होता है ना ऐसा, कई बार बंदा स्टक हो जाता है, नहीं समझ आ रहा है, एक ब्रेक दी आइस नहीं हो रही है, वो अपनी चीज में अकड़े हुए हैं, हम अपनी चीज में अकड़े हुए, रिकनसाइल नहीं हो रहा है, ठीक है। नो नेगेटिव इफेक्ट्स। तो तन्वी, मैं बता दूंगी कोर्ट पार्ट कटिंग का, जस्ट वेट। तो क्या होता है, साउथ वेस्ट देखिए अपने घर का, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच का मिडिल पॉइंट। अब उसमें क्या करेंगे, देखिए रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेंबर, सिबलिंग, क्लाइंट्स, या आपके हस्बैंड, आपकी जो भी है, वो उससे अच्छा होना चाहिए साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट को एक वहां पर देखिए कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा साउथ वेस्ट में दोष है, ठीक है, वो उसको ठीक कीजिए पहले। तो फिर जैसे साउथ वेस्ट का, वैसे साउथ वेस्ट का कलर जो होता है ना, सिल्वर ग्रे होता है, ठीक है। अब वहां पर मैम किचन है, बहुत बढ़िया जानवी, इट्स अ रॉन्ग प्लेस टू हैव अ किचन, तो इसीलिए रिलेशनशिप बर्न हो रहा है उसमें। आई डोंट नो, गॉड फॉरबिड जानवी आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो रिलेशनशिप में, आई डोंट नो, बट साउथ वेस्ट में किचन होने से रिलेशनशिप स्किल्स, स्टेबिलिटी फर्क पड़ता है। आप जो स्किल्स है उसको कन्वर्ट करते हो ना पैसे में, आप ऑफिस जाते हो, आपकी स्किल्स है ना, आप उसी से तो पैसे कमाते हो, और ये बड़ी बड़ी इश्यूज सारे वास्तु से क्रिएट होते हैं, गलत वास्तु से। वास्तु में कि दोष है नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, तो आपको वो प्रॉब्लम ठीक होती ही नहीं है, उसको आपको ठीक करना है। तो साउथ वेस्ट को ठीक करने के लिए आप वहां पर सिल्वर ग्रे कलर, या अब ये बातें मैं बाद में, देखो ये साउथ, मैं सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेशन में बता रही हूँ, ये वास्तु का कोर्स या वास्तु का वेबिनार नहीं है, ठीक राइट मैम, है। तो साइड बाय प्लीज, साइड स्विच वर्ड के साथ साथ स्टूडेंट्स को वास्तु का नॉलेज भी मिल रहा है। हाँ, क्योंकि साउथ वेस्ट बहुत इग्नोर होता है, वहां अपने एंसेस्टर्स की फोटो लगा सकते हैं जो हमारा ग्रोथ बनाते हैं। नो, साउथ वेस्ट का कलर मड कलर येलो होता है, साउथ वेस्ट का कलर येलो नहीं होता है, ये आपका सिल्वर ग्रे में आता है, या आप इसको येलो मड कलर में यूज कर सकते, ठीक है। अब क्या करना है अगर गलत है वहां पर कुछ, साउथ वेस्ट में अगर कुछ दोष है तो उस दोष का निवारण कीजिए, और उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है, तो किचन नहीं होनी चाहिए। देखो साउथ वेस्ट जितना हैवी होगा ना, पैसा उतना रुकेगा, रिलेशनशिप उतना भारी मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ये हमेशा याद रखो, उसे हैवी बनाना है। रश्मि वो साउथ में किचन ठीक है, तो कोशिश ये करना चाहिए हमें कि अपने रिलेशनशिप को बराबर करने के लिए
आपको साउथ वेस्ट को दोष मुक्त रखना है और ऐसा कुछ ये करना है साउथ वेस्ट के लिए. अब साउथ वेस्ट में भी आप स्टोन रख सकते हो, क्रिस्टल रख सकते हो, एक तो आप वो लीजिए रोज. रोज क्रिस्टल जानते हैं आप लोग, रोज क्रिस्टल का पेंडल पहन सकते हो, रोज क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हो. इससे ये लव लेडीज का माना जाता है रोज क्रिस्टल, स्पेशल वुमेन क्रिस्टल है, बहुत नाजुक होता है ये. इसे एनर्जाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. पानी के डायरेक्ट भाव में मत लेके जाइएगा, क्रैक हो जाएगा. ठीक है, तो रोज को, रोज क्रिस्टल्स आप अपने रिलेशनशिप जोन में रखिए, या उसका पिंक कलर का होता है, बहुत अच्छा सा पिंक कलर होता है इसका. ठीक है, तो आप एक तो वो चीज करिए और आपको बहुत फर्क पड़ेगा उससे. आप उसका वो पहन लीजिए ब्रेसलेट, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी ना, रोज मेरे पास होगा नहीं इसका. ठीक है, तो आप रोज क्रिस्टल पहनिए, बहुत नाजुक और एक्सपेंसिव होता है अच्छा वाला. सो मैं जरूर आपको कोशिश करूंगी, आपको जब क्लास में आएंगे तो उसकी पिक्चर दिखाऊंगी आप. Right. और आपको हाँ जी, ये बहुत ही जेंटल एनर्जेटिक होता है रोज क्वार्ट्ज. राइट राइट मैम, जस्ट अ सेकंड, ये बैंक डिटेल्स एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, कोई स्टूडेंट्स मांग रहे थे. सो हियर आर द बैंक डिटेल्स. अगर आप बैंक के थ्रू पे करना चाहते हैं, आप काइंडली अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और अगर आप पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे में पे करना चाहते हैं, तो 9115120675 नंबर पे कर सकते हैं. काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज If you want to pay through bank, right, ma'am? ठीक है, मैं एक बोलना छुपाई लिख देती हूँ. हाँ जी, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और रोज क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये मैं लिख देती हूँ. जो मुझसे कह रहे थे ना अभी, छुपाई विवाह की, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है. आप इसे जहाँ आपका बेटा या बेटी सोते हैं, उस कम जो अनमैरिड है अभी, उनके कमरे में ऐसी जगह लगाइए जो आते जाते उन्हें दिखे और वो पढ़ सके. ठीक है, तो वो क्या है, तब जनक वशिष्ठ आपको मिल जाएगा. ये वैसे रामचरित्र मानस में भी, लेकिन जो हमारी पीडीएफ होगी उसमें सब होगा. वशिष्ठ, ये वशिष्ठ है. ठीक है, आयसु 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 व्याहा साज समारी के समारी के मांडवी श्रुति की रित श्रुति की रित श्रुति की रित उर्मिला सॉरी फॉर राइटिंग प्लीज उर्मिला कुमारी लई हंकारी के ये पूरी आपकी चौपाई है. ये सिद्ध की हुई है, इसे सिद्ध नहीं करना है. इंस्टॉलेशन मैं कोर्स में बताऊंगी. हर स्विच वर्ड को इंस्टॉल किए बिना उसका कोई फायदा नहीं है.
आप एज अ रेमेडी कितने लोगों को भी दे सकते हो, आप अपने कर्मास अच्छे कर सकते हो किसी को एक रिलीफ देकर। देखिए अगर ताला बना है तो उसकी चाबी भी है, तो ये चाबी है, ताला बनने से पहले चाबियां बन जाती हैं, तो ये चाबी है आपके लिए, आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम इससे ठीक कर सकते हो। राइट, सो द चौपाई इज तब जनक पाई वशिष्ठ आयोसु ब्याह साथ सवारी के मांडवी श्रुति किरित उर्मिला कुमारी लई हंकारी के। Am I correct, ma'am? Yes, बिल्कुल, absolutely. Right. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड जैसे आपको गाइड किया गया है वैसे ही आप चैंट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे अच्छे स्विच वर्ड्स हैं और भी बहुत सारे 150 वाले की मोटी बुक है पीडीएफ में मैंने जो कराई है अपने right, उसको मैंने हाँ उसको तो पीडीएफ मिलेगा आपको, उसमें सबकी क्वेश्चन आंसर से आंसर होंगे कि कई बार कपूर वाली मैंने भी बताई है किसी को कि जब अगर आपको जैसे कोई बुरी लत है या नेगेटिविटी उसे कैसे हटाना है वो मैं एक बार आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ये वाला वीडियो जाएगा यूट्यूब पे आप वहां भी देख सकते हो। कल्प वृक्ष के बारे में मैंने ये बताया था कि कल्प वृक्ष भी एक स्विच वर्ड है वैदिक स्विच वर्ड, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। कल्प वृक्ष कहाँ था, वो कल्प वृक्ष स्वर्ग से लिया गया है और इसके नीचे बैठकर आप जो मांगोगे मिलेगा, इतना सॉलिड इतना बड़ा एक ही स्विच वर्ड दे दिया। अब देखिए जो मांगोगे प्रभु ने हमारे कर्मास के हिसाब से ना हमें ना भेजा हुआ है कि तुम्हें इतना मिलेगा तुम्हें ये मिलेगा तुम्हारे यहाँ इस तरह मिडिल क्लास में शादी है या हायर क्लास में शादी है ना, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जन्म मिला हुआ, ठीक है। मेरा भी कोई हक नहीं है कि मैं बिना किसी के कर्म देखे, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको ये वाली रेमेडी दूंगी और आपका काम हो जाए। लेकिन अगर किसी के कर्मास में वो लिखा था परेशान होना और वो परेशानी कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट उसको दूर करने के लिए उपाय बताता है तो वो नेगेटिव एनर्जी उस बंदे पर आती है क्योंकि वो नेगेटिव जो आपने किया है आपके कर्मास के हिसाब से आपको जो दुख भोगना था वो आपने नहीं क्योंकि हमें रेमेडी मिल गई, तो वो जो आपके कर्मास वो है तो सही यूनिवर्स में उसी को मिलेंगे जिसने आपको उद्धार करने की कोशिश, तभी जो रेकी हीलर है उन्हें बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज आ जाएंगी। हमें उसने ब्लैक टर्मलिन की माला पहन के रखिए या रुद्राक्ष पहन के रखिए तब आपको ये सब प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही एक रामबाण उपाय आपने बताया मैम, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए कारगर उपाय है कि किसी को भी कंसल्टेशन देने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके नेगेटिविटी उनको अफेक्ट ना करे। वैदिक स्विच वर्ड में खाली स्विच वर्ड कराता है अगर आपको कोई कराएगा भी, हम आप लोगों के लिए एक एडवांस लेवल का स्विच वर्ड का कोर्स लेकर आए हैं जिसमें आप जैसे अभी आप दो दिन से देख रहे हो सारिका जी पढ़ा रही हैं, ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे दे कैन यूज दैट ऑल्सो, बट जब हम विधि विधान से सीखते हैं कि कैसे इनको सेट करना है अपने लिए, है ना, क्योंकि जब हम खुद के लिए सेट करते हैं तो हम इसको किसी और को भी दे सकते हैं, प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई हमें दे रहा है जिन्होंने सेट कर रखे हैं तो वो फिर हम अपने लिए ही यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हो अपने लिए और अपनों के लिए, तो हमें कोर्स लेकर आए आप लोगों के लिए एडवांस वैदिक स्विच वर्ड का जिसमें आप लोगों को प्रॉपरली समझाया जाएगा कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्विच वर्ड से कैसे दूर कर सकते हो। तो क्योंकि हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है तो 50% से भी ज्यादा ऑफ इस कोर्स पे भी है, सिर्फ 999 rupees में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और इसके साथ कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो जिन लोगों ने हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया था आई थिंक उनकी तो इस बार लॉटरी लगी है ना, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हमने ऑलरेडी वैदिक स्विच वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री दिया था और उनके साथ उनको कॉर्ड कटिंग भी मिलने वाला है और आई थिंक सारिका जी कुछ क्रिस्टल्स का भी आप बता रहे थे, है ना, जी जी जी
मैंने दो तीन चीजें अलग बताई है मैम कि ना जिनके प्लैनेट्स वीक होते हैं आप उनका उन प्लैनेट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद स्विच वर्ड्स, वो मैं भी उनको थोड़ा सा वो भी एक गाइडेंस है उसके अंदर। बिल्कुल, क्योंकि हम अगर रतन नहीं पहन सकते उपाय नहीं कर सकते। राजन जी पूछ रहे हैं, साधना जी, राजन जी पूछ रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी कब स्टार्ट होगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारा ऑलरेडी खत्म हुआ है कल ही, तो जो लोग ये ऑफर लेना चाहते हैं बिकॉज ये हमारा एनिवर्सरी मंथ ऑफर था, नेक्स्ट मंथ तो होगा नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा आएगा, वैसे भी 3 महीने में एक ही बार आता है, सारिकांत जी ने लास्ट टाइम फेब में पढ़ाया था और अब मई में आया है, जून में जी, है ना जी, तो 3 महीने बाद ही कोई वर्कशॉप आ पाती है, क्योंकि ये वास्तु भी पढ़ाते हैं और क्रिस्टल हीलिंग भी पढ़ाती है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो इसीलिए नंबर थोड़ा देर से आता है। तो सर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, जो लोग भी हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ऑलरेडी कल दो लोगों ने हमारी वर्कशॉप ली है तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और उसके साथ हमने इस पर ऑरा स्कैनिंग भी दी थी कॉम्प्लीमेंट्री। तो पर्सनली जो लोग भी बचेंगे, जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को एक स्पेशल क्लास अरेंज करी जाएगी, सारिका जी और मैं हम दोनों प्रेजेंट होंगे, आपकी क्वेरीज प्लस ऑरा कंसल्टेशन कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने दिया था वो उन लोगों को भी मिलेगा जो लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं, ठीक है। और ये ऑफर सिर्फ इस मंथ का है, नेक्स्ट मंथ ऑरा कंसल्टेशन नहीं होगा, सारिका जी ने प्रॉपर ऑरा स्कैनर से कंसल्टेशन दिया था कि आपने अगर कोई रतन पहना हुआ है, आपको प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, ऑरा स्कैनर इजीली डिटेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जो लोग भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेना चाह रहे हैं उनके लिए स्विच वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, कॉर्ड कटिंग कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी और ऑरा स्कैनिंग कंसल्टेशन कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, ठीक है जी। पर जो लोग सिर्फ वैदिक स्विच वर्ड भी करना चाह रही है, ये हमारा 26 जून यानी कि परसों से स्टार्ट हो रहा है, 7:30 बजे का एक ही बैच है, 999 का ऑफर है जिसमें कॉर्ड कटिंग भी सिखाई जाएगी, बिकॉज जब हमारी अननेसेसरी कॉर्ड कट हो ज्वाइन होती है किसी के साथ तो भी हमको रिजल्ट नहीं आते, तो कॉर्ड कैसे कट करनी है वो भी आप लोग इजीली सीख पाओगे। राइट, सो आपको पे करने के लिए जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के लिए 9115120675 नंबर पे करना है, और उसके बाद सेम नंबर पे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका नाम सेंड करना है। सो द स्पेशल ऑफर इज एडवांस वैदिक स्विच वर्ड का वर्कशॉप 999 ओनली विद द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप टोटली फ्री, और उसके साथ अगर आप एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज इज 2766 ओनली, आपको रिकॉर्डिंग्स दिए जाएंगे एंड उसके साथ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि स्पेशल क्लास कब है, उस दिन आपका डाउट्स भी क्लियर कराया जाएगा जिसमें एडवांस वैदिक स्विच वर्ड का वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। सो द एडवांस वैदिक स्विच वर्ड का वर्कशॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जून, टाइमिंग्स आर 7:30 PM ऑनवर्ड्स, लाइव रहेगा जूम ऐप पे, रिकॉर्डिंग PDF, ई सर्टिफिकेट बहुत कुछ मिलेगा एंड उसके साथ कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप भी मिलेगा। सो ज्वाइन कीजिए, 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट दिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे एनिवर्सरी मंथ चल रहे हैं, स्पेशल ऑफर अवेल कीजिए, स्पेशल नॉलेज, यूनिक टॉपिक भी सीखिए एंड ज्वाइन कीजिए हमारे इस वर्कशॉप में। मेरा ना एक चीज रह गई है मैम, समबडी इज नॉट डूइंग राइट थिंग, देखो हमारे इनको रिमूव कीजिए। ओके मैम, जस्ट स्क्रीन देखिए जरा, स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए, मैं देखता हूँ, अभी दोनों को मैंने रिमूव किया है। प्लीज दिस इज नॉट गुड, आई डोंट नो, आप इन्हें रिपोर्ट कीजिए इनके बारे में। यस यस मैम। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि साउथ वेस्ट में एक रह गया था कि साउथ वेस्ट में हम लोग कैसे जो है क्या रेमेडी करें कि थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले, ठीक है। तो हम लोग ना आप साउथ वेस्ट की जो दिशा है वहां पर अगर कुछ नहीं कोई दोष है भी ना तो एक येलो कलर का स्क्वायर काट के, स्क्वायर काट लीजिए, उसमें येलो कलर का कोई पट्टा मतलब कलर करके या कोई पेपर चिपका के आप उसे लगा दीजिए, आपकी वो दिशा एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। और उसके उसके बाद आप उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हो कि आप वहां पर कोशिश कीजिए कि येलो कलर का
जो प्लांटर्स होते हैं ब्रास का ले लीजिए, उसमें आप अपना प्लांटर भी रख सकते हो वहां पर। क्यों? एक तो वो हैवी हो जाएगा साउथ वेस्ट, और उसमें येलो कलर का कलर भी आ जाएगा। तो आप मीन वाइल ये रेमेडी कीजिए, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे वहां पर, आप हो सके तो अपने हस्बैंड वाइफ की फोटो भी लगा सकते हैं। सो दिस इज दीज थिंग्स विल इम्प्रूव योर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे लगा ये बता देना जरूरी था, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड टिप फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, सो बहुत ही कारगर रेमेडीज आपके साथ शेयर किए गए हैं, जो हमारे पेड वर्कशॉप के क्लासेस हैं उन्हीं के नॉलेज आपके साथ शेयर किए गए हैं। नो मैम, साउथ वेस्ट में प्लीज गॉड की फोटो मत लगाइएगा, वो नैऋत्य कोण है, वो सही कोण नहीं है। ठीक है, आपका जो भगवान की फोटो आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, वो जोन मंदिर का है। कल्प वृक्ष की पिक्चर इस वक्त मेरे पास नहीं है, कल्प वृक्ष की फोटो आपको गूगल से मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू प्रीति। सो आज के जो हमने स्वारिका जी, हाँ जी, मैं सोच रही थी कि जी मैं सोच रही थी कि दो चार लोगों को कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन दे दो, किसी को अगर रिलेशनशिप है या कोई प्रॉब्लम है, ताकि क्यों नहीं मोबाइल न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करेंगे तो मैं चाहती हूँ सब एनिवर्सरी ऑफर ले लें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो बता दीजिए किसको लेना है। वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप दे सकते हैं, बच्चे भी बताइए किसी को लेना है। किसी का क्वेश्चन अगर रिलेशनशिप को लेकर है तो थोड़ा सा मैं वो प्रेडिक्ट कर दूंगी। जिनके हैंड रेज है पहले तो उनको ले लो, क्या क्वेश्चन है उनके, शादी जल्दी करवाने के लिए क्या करें, स्विच वर्ड बताया ना अंकुश जी, बताया ना, दो तीन बता दिए मैंने, और चौपाई भी बताई है, कलोल, नीलम जी आपको तो पता है, अच्छा मैं ले रही हूँ एक सेकेंड मिल जाएगा। राइट, राइट, सो बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। जो वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहे हैं 26 जून से, लाइव रहेगा जूम ऐप पे, रिकॉर्डिंग विद ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, एंड द स्पेशल ऑफर इज कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, एंड द एनर्जी एक्सचेंज इज 999 ओनली, एंड आपको पेमेंट डिटेल्स के लिए चैट बॉक्स में नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं। कृपया आप सेम नंबर पे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपका नाम सेंड करें, ताकि आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए कि ये ऑफर एनिवर्सरी मॉन्थ एनिवर्सरी शुभ अवसर पर चल रहा है, नेक्स्ट टाइम ये ऑफर नहीं रहेंगे। जी मैम, थैंक यू जी। हाँ जी रेशमी जी, आपका आप बताओ के कुछ रिप्लाई कर दे एक सेकेंड। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, राजन महल जी बिल्कुल 999 का कोर्स है, आपको 999 में आप अवेल कर सकते हो। प्रीति जी हमारी नेक्स्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास अगस्त सितंबर तक आएगी,
है ना, तो जो लोग इस बार वीडियो से पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम उनसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, राइट? चलो, बैंक डिटेल्स इफ वी वांट टू पे बाय क्रेडिट कार्ड, तन्वी जी आप ले लेना हमसे, लिंक ले लेना क्रेडिट कार्ड से पे करने का, चौपाई बताएं मैम, ओके मैंने बचाई थी अभी थोड़ी देर पहले, लिख के भी दिया था, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर, हाँ वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, जिनका मिस हो गया यू कैन गो थ्रू द वीडियो, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, ओके रश्मि जी आप बताओ, बच्चे आपका मोबाइल नंबर क्या है? हाँ मैम, मेरा एक्चुअली मैं यूके में रहती हूँ, तो मेरा मोबाइल नंबर है वो जैसे इंडिया का होता है ना +91, वैसे मेरा है +44, उसके बाद फोन नंबर है 1 मिनट 74+44 इज अ एरिया कोड, कंट्री कोड, कंट्री कोड, बताइए बाकी नंबर, यस बाकी नंबर है 7459, एक मिनट 7459 7459 175 7459 175 244 7459 175 244, है ना? ठीक, यस मैम, ठीक, ओके रेशमी आपको थोड़ा सा मूड स्विंग्स वगैरह होता है? हाँ मैम बहुत होता है एक्चुअली, इसका रीजन भी है, मतलब अभी मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा सा हील भी हुआ है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, आपको नेगेटिव थॉट्स देता है ये वाला फोन नंबर, ठीक है, मूड स्विंग्स भी दे रहा है आपको, और कुछ आईज में इशू यहाँ आके आया है या पहले से था? नहीं मैम, मेरा थोड़ा सा पावर था लेकिन आफ्टर कोरोना 2022 में, मेरा कोरोना के बाद थोड़ा सा मतलब ईयर प्रॉब्लम भी आया था, मतलब पावर बढ़ गया, ओके तो आपको कोई आपका आप वहां पर लाइक आपका जो फोन नंबर मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है, वैसे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बहुत हो, आपको थोड़ा सा काम चाहिए लेकिन वो हो नहीं पाती है तो पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो आप, है ना? यस मैम, बहुत ज्यादा कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मतलब ये थॉट मुझे कम ही आता है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देती हूँ, कभी कभार सोचती हूँ क्यों ऐसे मैं बोल दिया, ये भी फोन दे रहा है, और आप क्या ट्रस्ट फैक्टर है, आप सबसे इजीली ट्रस्ट नहीं करते, इज इट ट्रू? यस मैम, पहले तो उल्टी थी कहानी, मैं हर किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेती थी, या नोन हो या अननोन हो, तो उसके लिए मतलब ऐसा है ना, जिंदगी सिखा देता है हम लोगों को, तो अभी क्या है, हाँ मैंने वो मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फुल ट्रस्ट करती हूँ, मतलब बैलेंस है अभी, मतलब एक्सपेक्टेशन जीरो है, ठीक है, और ये बताओ आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है? यस डिस्ट्रैक्ट रहते हो? यस मैम होता है, डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, आप ये नंबर में कुछ योग ऐसे हैं जो आपको ट्रबल दे रहे हैं, ठीक है, बट सिंस यू आर देयर इट इज नॉट इजी टू गेट चेंज द नंबर, अगर फिर भी आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा मैम, यहाँ पे क्या है इंडिया पे जैसे हम लोग फोन नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नंबर को देख के, यहाँ पे कर नहीं सकते, यहाँ पे आपको खरीदने के बाद वो मतलब ओपन किया जाता है, तो उसके बाद जानना होता है आपका फोन नंबर क्या है, ये नंबर आपको एयर ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा है, ओके मैम, है ना, आप अब्रॉड ज्यादा बार जाते हो? आप बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा यूरोप टूर भी किया है, इंडिया तो मतलब, आप इंडिया से यहाँ कब आए मैम? 2017 लगभग 7 years, हाँ, बट यू इट्स अ गुड नंबर फॉर एयर ट्रैवलिंग,
आप एडजस्टमेंट अच्छा कर लेते हो, गुड मैनेजमेंट भी है आप में। मैम इतना एडजस्ट करना पड़ता है ना कभी कभी देखो मतलब, होने के बाद मैं पूछती हूँ मैं ये कर पाई कैसे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मतलब एज तो थोड़ा बढ़ रहा है ना, तो पेशेंस मेरे में बहुत कम है, ये मैं बोलती हूँ। अच्छा तो ये आप बताओ गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है आपका? मैम गवर्नमेंट की मैं इंडिया में जब थी ना, मैंने एग्जाम वगैरह दिया था, तो उस टाइम ना मतलब पास होने के बाद भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, तो मतलब ये नहीं हुआ। मेरा बहुत इच्छा था मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, स्पेसिफिकली रेल में मुझे बहुत इच्छा था ऐसा, प्राइमरी टीचर में भी मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा जो मतलब एजुकेशन है, मैं मास्टर्स डिग्री करी हूँ सोशियोलॉजी में, लेकिन मेरा जो काम का एरिया था वो इंश्योरेंस बेस्ड था। आईसीआईसीआई बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैं रही हूँ इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद हस्बैंड का यहाँ पे जॉब लग गया, तो वो जॉब मतलब शादी के बाद भी मेरे छोड़ने पड़े। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जॉब किया थोड़ा वो दिन। तो कोई बात नहीं, मतलब इससे जो मैं जान पाई हूँ, आई होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि मोबाइल नंबर भी बहुत कुछ आपके बारे में आपको उन, क्योंकि नंबर वो लोग ढूंढते हैं, नंबर ही उनको ढूंढ लेता है, राइट? नंबर ही उनको ढूंढते हैं, इसीलिए आपको ये नंबर मिला। तो आप ही कोशिश कीजिए कि अब जैसा है वैसे नंबर, ठीक है, बस थोड़े बहुत चीजें हैं आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू। दिस इज सो अमेजिंग कि हम एक मोबाइल नंबर से ये तक बता पा रहे हैं कि आपके क्या गवर्नमेंट कनेक्शन हैं, आप फॉरेन में हो कि नहीं हो, है ना? तो अभी हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ तो किसी की ले नहीं रहे, मोबाइल नंबर बहुत कुछ बताता है आपके बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि आप जो मोबाइल लेके बैठे हो वो ठीक है, नया नंबर कैसा लेना चाहिए, क्या योगाज होने चाहिए उसमें, और आपका पर्पस क्या है नहीं मोबाइल का। तो सिर्फ 2766 में आप मोबाइल न्यूमेरोलॉजी प्लस वैदिक मेंटर प्लस स्पॉट कटिंग प्लस ऑरा कंसल्टेशन एवरीथिंग यू विल गेट जी, राइट? यस मैम, वेरी ट्रू मैम। मोबाइल न्यूमेरोलॉजी की 6 रिकॉर्डिंग्स हैं प्रीति जी, आई होप रेशमी को समझ आया होगा। Right. Rishmi has joined our switchboard course. Okay, that's wonderful, Rishmi. We'll see you. I'll help you a little bit more, okay? Rajan Nehal ko kuch puchna hai course. Nahin, ma'am. Okay, achha, theek hai. So, and abhi Simran ko maine kiya hai. Thank you so much. जी मैम, दो मेरा मिस हो गया अभी, बिकॉज़ आई वाज एट डेंटिस्ट, सो व्हाइल ड्राइविंग बैक जितना सुन सकी उतना सा सुन लिया। मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी जब भी टाइम मिलेगा, आई ऑलवेज वॉच जब भी मेरा मिस होता है। तो मैम माय नंबर इज 8860 8860 333 333 627। अच्छा, कब से है मैम ये नंबर आपके पास? Honestly, I don't remember, but about ये number तो मेरे पास बहुत देर से है मैम, it's about for 6-7 years now. No problem. I want to know about more number which I just bought, because मैं मैम की classes कर रही हूँ साधना मैम से, और I want to start my own venture through that course only. तो वो मैंने एक नंबर बिजनेस नंबर भी लिया है कि वो ठीक रहेगा कि नहीं, तो मैं वो भी आपसे जस्ट अगर साधना जी ने दिया तो ठीक ही रहेगा। उन्होंने नंबर नहीं दिया, उन्होंने तो हाँ। उनका तो कोई कोर्स कर रही हूँ मैं तो। अच्छा, जो आपने मुझे ये जो नंबर दिया ये कौन सा है? ये मेरा पर्सनल नंबर है फ्रॉम द लास्ट 7-8 इयर्स। तो आप इसे यूज कर रहे हो ना सिमरन? जी जी, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आर यू मैरिड सिमरन? आई एम मैम, it's been about 17 years. you have a friction of thoughts like puja karna bhi acha lagta hai, paachi karna bhi acha lagta hai? Yes, both. And both, okay. So aapke kuch rule regulations aap follow karte karne mein believe karte ho ki jaisa hai usko waisa hi karna chahiye? Rule regulation means ma'am rule regulation follow karna, like
एक पैटर्न होता है काम करने का, प्रोटोकॉल होता है, आप उसको प्रेफर करते हो। हाँ, आप प्रेफर करते हो कि हाँ इस टाइम ऐसे होना चाहिए, ये टाइम खाने का तो इस तक खत्म हो जाना चाहिए, बट फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी रिजिड। दैट इज ट्रू, बट आप खुद के भी तो रूल बनाते होगे। Not really, ma'am. I used to be a very easygoing person, but I'm going through a very bad phase. I'm going through a separation. So, उसके बारे में मेरे को main है. Though I don't know whether this number has anything with that, के आप उसके through बता सकते हो. So that is my main concern. देखो, मैं जो बता पा रही हूँ उसको तो पहले आप सुनो. Obstruction हुआ था education में? रुकी थी एजुकेशन थोड़ा टाइम के लिए, आपने सोचा हो मैं बाद में कंप्लीट करती हूँ, या कोई ऐसा काम एक जैसे आपके कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो बीच में रुक के पूरा हुआ हो? मैम काम ऐसा नहीं है, मेरा एग्जाम था एमबीए का, वो मैंने जस्ट यू नो वो नोट्स भेजने थे और शादी का टाइम आ गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है शादी के बाद नोट्स भेज दूंगी, एग्जाम ऑलमोस्ट क्लियर है, एक एग्जाम रहता था, वो आज तक नहीं कर पाई मैं, so I don't have the certificate of family. वही मैं बोल रही हूँ सिमरन, एजुकेशन कंप्लीट आप नहीं कर पाए ना, जो भी वर्क रह गया आपका, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? और एक चीज आप बताओ, तब तो मोबाइल थे ही नहीं मैम जबकि मैं बात कर रही हूँ। नहीं अग्रीड, अब जो नंबर आया आपके पास ये वाला, उसी ने तो मुझे ये बताया है, मैंने आपको चूज किया वही कि आपके साथ ये हुआ है, तभी तो प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ मैं, राइट? जो दूसरा है कि आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स इस तरह के आते हैं, एंग्जाइटी होती है? यस मैम, आई एम ऑन एंग्जाइटी पिल्स, तो अभी मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा के काफी काम डाउन किया है, या अपने आपको कंट्रोल किया है, ट्राइंग हार्ड, दो इनर मुझे पता है कि आई एम स्टिल एट दैट सेम लेवल, but trying my level best. And you will also attract the same negativity. Attract bhi wahi karte ho, negative log aate milte hain. See ma'am, honestly, I don't understand, I'm very honest person, and main dil se matlab mujhe pata hai agle ne help kiya tha, I really respect that, even uski back pe bhi I always praise. Pata nahi us bande ko kya hota hai, why that confusion comes, and wo banda mere ko bolta ki nahi, to unne to ye socha hoga mere ko, yaar तो इसीलिए आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है। देखिए बहुत सारे आपके एनालिसिस करने बैठू तो लंबा है, तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको जरूर बता रही हूँ। कुछ आप हीलिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हो, लोगों को हील करने के लिए, तो वो आप हीलिंग ये नंबर दिखा रहे हैं कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, ठीक है? वो ठीक रहेगा मैम पहले? यस, अगर अभी थोड़ा सा नेगेटिव, देखो अगर आप क्या करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, या न्यूमरोलॉजी क्या बताती है कि आपके सामने, जैसे मैं चल रही हूँ, मेरे सामने कोई गड्ढा है या कुछ रोड ब्लॉक आया है, तो मुझे पता है, दिख रहा है, मुझे पता था ये आएगा, मैं ऐसे घूम के जा सकती हूँ। सेम विद योर मोबाइल नंबर, सिंस यू नाउ नो दोस योग्स आर मेकिंग यू दिस काइंड ऑफ डिप्रेसिव थॉट्स एंड ऑल, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप उस चीज को ज्यादा प्रेशर में मत लीजिए जब तक चेंज नहीं कर लेते नंबर। ऐसा नहीं मैं कह रही नंबर रातों रात चेंज करने की जरूरत है, ऐसा है नंबर इज ओके, यू कैन कंटिन्यू विद द नंबर, लेकिन इसमें दो तीन योग हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए कि अब मैंने आपको बता दिया नेगेटिविटी आपको आती है तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली कम ओवर, ठीक है? ऑलराइट, और आप ना, हाँ आपकी डीओबी क्या है सिमरन? मैम 10, 10, 11। तो आप एक काम करिए, आप अपने ना मोबाइल में ना सूर्य की या सूरजमुखी फूल की इनकी फोटो लगा लीजिए एज अ स्क्रीन से, ठीक है? दैट विल हेल्प यू, राइट? ओके, राइट मैम। एंड मैम कैन यू प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस नंबर कि मेरा लाइक व्हाट विल बी माय रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड, विल ही कम बैक, और व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर? जस्ट आज आपको मैंने वो भी दिए है ना,
देखिए मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाह रही थी, मुझे नहीं पता कि आपका वजह क्या थी, मे बी इट इज सम अदर अफेयर और समथिंग अदर अफेयर एंड वायलेंस मैम. देखा, मैं यहाँ ये बोलना नहीं चाह रही, दिस इज शोइंग इन योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. ही हैज हाँ, सो इट इज अफेक्टिंग यू. नहीं नहीं, दैट आई नो विच थिंग्स आर देयर, दैट आई ऑलरेडी नो. आई एम आस्किंग फॉर फ्यूचर, व्हाट विल बी लाइक, विल ही बी टुगेदर, वी विल बी टुगेदर. मैम मुझे उनका नंबर देते ना तो मैं बता पाती. मैम उनका नंबर 97171. और भी लोग हैं सिमरन, प्लीज तारिका जी सपोर्ट करना. हां जी 97171 सिमरन, और भी है ना सिमरन जी, प्लीज देखिए एक ही नंबर एनालाइज होगा. अच्छा ठीक है, since it's related to that ना, इसलिए मैं पूछ रही थी. चलिए किसी और को स्विच वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो. कल से नहीं, सॉरी मंडे से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको ना ही सिर्फ स्विच वर्ड की नॉलेज मिलने वाली है, बट कॉर्ड कटिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप लोगों को बता दूं. इनफैक्ट आपको नेगेटिविटी रहती है, हम अनकनेक्टेड कॉर्ड, अनवांटेड कॉर्ड कनेक्ट कर लेते हैं आप कभी अपने बच्चों से, कभी अपने रिलेटिव से, तो अगर आप उसको कट कर लोगे तो आपको जो नेगेटिविटी आती है दूसरों की, या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं दूसरों की बातों से आपको बहुत फर्क पड़ता है, वो आपकी अवॉइड हो जाएगी. आप कॉर्ड कट कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी दूसरों की बातें. तो ये हमारी सुपर एडवांस वैदिक स्विच वर्ड प्लस कॉर्ड कटिंग 999 में सिर्फ और सिर्फ इस बार, क्योंकि एनिवर्सरी मंथ है, तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, एक ही बैच है 7:30 का. राइट, सो पेमेंट के लिए 9115120675 नंबर पे आप जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम करें, एंड उसके बाद सेम नंबर पे ही आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड आपका नाम शेयर करना है. प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन, जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना करें. राइट, एंड द नंबर्स आर ऑलरेडी शेयर्ड ऑन चैट बॉक्स. 4 days का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप रहेगा, एडवांस वैदिक स्विचवर्ड का वर्कशॉप, एंड द एनर्जी एक्सचेंज इज 999 ओनली, स्पेशल एनिवर्सरी ऑफर. इसमें आपको कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, सो द ऑफर विल नॉट बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट टाइम, सो प्लीज ज्वाइन विद अस एंड अवेल द स्पेशल ऑफर दैट इज अवेलेबल ऑन 999 एनर्जी एक्सचेंज ओनली, एडवांस वैदिक स्विचवर्ड का वर्कशॉप और उसके साथ कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जून लाइव रहेगा जूमर पे, टाइमिंग्स रहेंगे 7:30 PM ऑनली, एंड उसके साथ रिकॉर्डिंग PDF विद ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. जी मैम. जी थैंक यू, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए. जी 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 ओके. राहुल जी कौन स्क्रिबल कर रहे हैं, किन्होंने लिखा है पता नहीं, जस्ट अ सेकंड मैम. सर प्रॉब्लम इज देयर आर सम पीपल इन दिस टाइम मैम, दिस इज एक्चुअली नॉनसेंस. मैंने नाम नहीं पढ़ा ना कि हु इज स्क्रिबलिंग. Some unwanted people are there who don't want to study, बल्कि तंग करने आए हैं वेबिनार में. Yes ma'am. Please leave the webinar. Those who want to create disturbance only, please leave. So, but I कुछ ऐसे भी स्विच वर्ड्स होंगे जो आपको किसी से, जो जैसे होता है कुछ नेगेटिव पीपल जुड़ जाते हैं, उनसे हटने के लिए भी है, आप उनसे अलग हो सकते हैं. कॉर्ड कटिंग वन ऑफ दिस, कि आपको नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से कट कर सकते. तो इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स, आप उसे जब ज्वाइन करेंगे देन यू विल फील कि हाँ थोड़ा सा हम लोग मेडिटेशन भी थोड़ा सा करेंगे अगर आप कहेंगे, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन, लाइक आपके बंद के बैठे ही रहेंगे. कनेक्ट होना है इसलिए जरूरी है, तभी स्विच बोर्ड आपको हेल्प कर पाएंगे. राइट, बाकी साधना जी आर वी, बहुत सारे हैंड रेजेस हैं साधना जी, डू वी टेक वन मोर? बिल्कुल देख लीजिए आप जैसे ठीक लगे. प्रभाकर आप अनम्यूट. हां जी मैम. राइट, प्रभाकर राव मैम प्लीज अनम्यूट. हेलो मैम,
मैम मैं इस कोर्स में आने वाली हूँ, अभी आपके कोर्स में ज्वाइन होने वाली हूँ। ओके मैम, मैम एक्चुअली बेटे का मोबाइल नंबर देना चाह रही हूँ। हाँ बताइए। 97173 07761 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 07
सेटल नहीं हो पा रहे हैं ना उनका मैम ये फोन नंबर कब से है आपके पास उसके पास बहुत साल बहुत होगा चार पांच साल नंबर ठीक है मैम नो प्रॉब्लम इन दैट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही छोड़ दे रहा है जॉब आए तो सभी छोड़ देता है अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं फिर भी इग्नोर कर देता है दो साल बस कोशिश कर रहे हैं मगर हो ही नहीं पा रहा अब फिर भी ट्राई कर रहे हैं कोई बात नहीं आप मुझे डीओ भी दोबारा बताएंगे 23 जून 1996 बस एक मिनट जाना चाहे तो ये जा सकते हैं हो संभव दो साल से ट्राई कर रहे हैं हो ही नहीं पा रहा फिर से ट्राई कर रहे हैं मैम नेक्स्ट ईयर इसी नेक्स्ट ईयर अच्छा नंबर कुछ नया करेंगे बहुत अच्छा साल है अच्छा अच्छा तो नंबर चेंज ना करो फिर जी नहीं ओके ओके थैंक यू मैम नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा साल होगा आप समझिए नेक्स्ट ईयर मई से ही विल डेफिनेटली डू समथिंग न्यू बहुत बिजी रहने वाला आपका अच्छा यूके जाने के लिए ट्राई करें यूके कनाडा यूके जाने के लिए बहुत ट्राई करें यहाँ पर भी जाना है उनको ही कैन गो नो इश्यूज अच्छा फोन नंबर है हायर एजुकेशन का है सब है और उसको म्यूजिक पसंद है हाँ हाँ म्यूजिक वो वैसे आर्ट में जैसे गेम डिजाइनर 3D आर्ट ये निफ्ट में ही करवाया हुआ है कोर्स बाकी सब कुछ अच्छा है आप फोन नंबर बेशक मत बदलिए पर इस नंबर में एक इशू है कि शादी में भी डिले आएगा अच्छा शादी में डिले फोन नंबर में वैसे सब कुछ अच्छा है लेकिन एक योग ऐसा है जो शादी होने में बहुत अड़चन देगा अब यह आपके ऊपर है कि आपको शादी वाले की चीज को अहमियत देनी है या ये फोन नंबर कंटिन्यू फिर तब कर सकते हो लेकिन शादी से रिलेटेड इशू आपको जरूर आएगा लव मैरिज तो नहीं है ना मैम शादी में कह रही हूँ नहीं होना चाहिए इसलिए सोच में अड़चन आएगा लेकिन ठीक है अड़चन आने में इस फोन नंबर से कह रही हूँ जो जॉब मैंने बाहर चले जाएगा तो सब चेंज कर शादी टाइम से हो जानी चाहिए पर थोड़ी तकलीफे होंगी अच्छा 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 ठीक ठीक थैंक यू मैम फिर थैंक यू अलॉट मैम थैंक यू मैम मोबाइल नंबर का बता दीजिए बताइए नंबर बताइए 9310 9310 60 4012 4012 हाँ जी मैम कब से है ये नंबर ये 220
आपका जो आपको भी मूड स्विंग्स वगैरह आता है, नेगेटिव एंड नेगेटिविटी आती है ख्याल आपको? यस आते हैं. ओके कोई आपके सर्जरी या एक्सीडेंट हुआ है बाहर? नहीं अभी नहीं हुआ. और कब से कहा आपने मुझे ये नंबर है आपके पास? ये 2020 मैम. फिर आने के चांसेस है ये. आपका कोई रिलेशन आर्मी या आपके घर के लोग आर्मी या पुलिस पुलिस स्टेशन वगैरह में कोई रिलेशन है गवर्नमेंट से रिलेटेड? सब बिजनेसमैन है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है. तो कोई रिलेट उससे प्रॉब्लम आ रहा है गवर्नमेंट इश्यूज से कोई जो? हाँ, वो है प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है. और ये आप ही का फोन नंबर है ना? हाँ मैं यूज कर रही हूँ. थोड़ा रिस्क टेकर है मैम? क्या चीज में? रिस्क वगैरह लेते हैं किसी चीज में आप, या आप बोल्ड इनफ है कि पता है ये होना है? हाँ अब मैं संभाल लूंगी अपने आप. मैं संभाल लूंगी ऐसा नहीं. हाँ बस गॉड देख लेगा, भगवान देखेगा. गॉड देख लेगा, लेकिन आप ये डरते ही नहीं हो चीजों से, मैं ये कह रहा हूँ. हाँ राइट जी. और वैसे अगर देखा जाए तो इस फोन नंबर में इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही. ठीक है. थोड़ा वेस्टेज ऑफ मनी रहता है आपसे? हाँ खर्चा बहुत करते हैं. हाँ जी. तो यही चीज ज्यादा दिखी है मुझे. थोड़ा डिले आता है इस फोन नंबर से काम में. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 जनवरी 1976. तो मैं जो ये प्रॉब्लम है आपकी फोन नंबर का जो है, इसमें आपको थोड़ा डिले भी देता है किसी कामों में? डिले हो जाते हैं काम बहुत स्लो होता है. मतलब सामने तो हुआ पड़ा है फिर भी नहीं, मेरे पास नहीं हो पाएगा. हाँ. ये आपको दे रहा है, थोड़े ध्यान रखिए बस. और इसमें ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, पर कंटिन्यू करो इस नंबर को. दो चार चीजें हैं जो आप थोड़ा परेशान कर सकते हैं. आप रिलेशनशिप इश्यूज तो देखिए अब यहाँ ये सब बता पाना थोड़ा सा रहता है ना. आप भी थोड़ा अपनी मर्जी चलाती हैं, मेरे को जो करना है वैसे करना है, इस तरह का आपका नेचर है. है ना. तो थोड़ा सा इशू रिलेशनशिप में आपकी मदर इन लॉ है? नहीं. और डॉटर इन लॉ है? वो तो हम ब्रेकअप हो चुका. तो रिलेशनशिप में इशू आए होंगे? हाँ ये फोन नंबर से देख रही हूँ. ये आपका एक योग ऐसा है जो आपको ये परेशान रिलेशनशिप विद डॉटर इन लॉ या मदर इन लॉ से आया होगा. दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग. राइट ठीक है. फिर मैम बाकी तो प्रॉब्लम तो जो है वो मैंने आपको बता दिए. तो बेस्ट आप ये नंबर तो मैंने ब्रेकअप के बाद ही लिया है. तो मैंने बोला ना चाहे ब्रेकअप के बाद लिया, बता तो वो मुझे आपके बारे में ही रहा है ना. फ्यूचर का थोड़ा बता दीजिए, कुछ बेटर हो सकता है. होगा आपका क्या फ्यूचर में क्या बेटर चाहिए आपको? क्या मैं कुछ काम कर पाऊंगी? आपका भी थोड़ा सा ये टाइम आपकी तबीयत ठीक रहती है? ऐसे ठीक है. थोड़ा ब्लड रिलेटेड इशू, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कोई बीपी वगैरह. हाँ, ये हाँ. हो सकता है आपको? हाँ अभी आ गया. हाँ मैं अभी पूरी बात करने वाली थी. इस साल आ सकता है तो आपको आया इसी साल? ये साल हाँ ये साल में ही दिखा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट ईयर वुड बी बेटर फॉर यू. अपने ये बिजनेस और जॉब चलेगा? बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है नेक्स्ट ईयर. बिजनेस मई के बाद भागेगा. ठीक है ठीक है ठीक है. थैंक यू मैम. थैंक यू. सो मैम एक मोबाइल नंबर से ही आप हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एंड उसके बाद उसके प्रमोशन एंड करियर जॉब बहुत कुछ आप प्रेडिक्ट कर पा रही.
यस, क्योंकि मोबाइल नंबर ही ऐसा होता है जो नंबर आपको वाइब्रेशन, क्योंकि मोबाइल 24 घंटे हमारे साथ है, उसकी वाइब्रेशन 24 घंटे हमारे साथ है, चाहे वो अच्छी है, आप आईफोन ले लो, लेकिन नंबर ऐसा हो जो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो क्या फायदा हुआ उसका। तो नंबर की वाइब्रेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है, वो हर दम बजता है, आपके बैंक से फोन, आपके बच्चों का फोन, आपके मम्मी पापा का, ऑफिस का, सब काम फोन पे हो। जब नंबर ही नेगेटिव रिजल्ट दे रहे होंगे तो कैसे पॉजिटिव हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, नंबर मिलते हैं जो सब कुछ अच्छा ही देते हैं। एंड अगर कुछ बैड वाइब्रेशन, एंड अगर कुछ बैड वाइब्रेशंस भी हो तो उसके साथ साथ आप रेमेडीज भी देते हैं, जिससे वो एज ए टेम्पररी पीरियड के लिए हमें उस प्रॉब्लम से भी निजात मिल सकता है। हाँ जी, क्योंकि ये मैंने बताया ना स्क्रीन सेवर्स, और फिर आप जो स्विच वर्ड मिल रहे हैं वो सब नाम बाहर है, वो तो इसीलिए मोबाइल जो चेंज नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम के लिए स्विच वर्ड यूज कीजिए, पर अगर बहुत खराब नंबर है उसे बदलना ही पड़ेगा। सो ऐसे ही अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, 26 जून से 7:30 PM ऑनवर्ड्स लाइव रहेगा जूम ऐप पे, 4 डेज का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप, एडवांस्ड वैदिक स्विचवर्ड का वर्कशॉप, और उसके साथ स्पेशल ब्लेसिंग्स कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। एनर्जी एक्सचेंजेस 999 ओनली, इसमें आपको बहुत सारे स्विच वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें आप इनको सिद्ध करना सीखेंगे, उनके ब्लेसिंग्स लेना सीखेंगे, एंड पर्टिकुलर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम की ये आपको स्विच वर्ड दिया जाएगा। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में से दूर होता जाएगा, और उसके साथ आपके विश भी फुलफिलमेंट होंगे, एंड उसके साथ बहुत ही कारगर कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। So, आइए ज्वाइन कीजिए, एंड उसके साथ जी कौन है जो बार बार स्क्रीन पे लेकर आते हैं कुछ, एक राहुल जी, हम एक टोनी जी का लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद वी विल फाइंड इट आप, ठीक है जी मैम, ये जस्ट मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी ओके, अगर कोई भी, अगर आप एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको रामबाण वैदिक स्विचवर्ड का वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, जो कि आपको हमारा ये वर्कशॉप रहेगा एनर्जी एक्सचेंज 2766 ओनली, लेकिन दिस इज आवर एनिवर्सरी ऑफर, ये ध्यान में रखिए, नेक्स्ट टाइम ये ऑफर नहीं रहेंगे। तो आपको वीडियोस दिए जाएंगे, आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा ये वर्कशॉप होगा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर कराए जाएंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा जिसमें टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन भी दिए जाएंगे। सो द नंबर इज 9115120675, पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे, एंड हियर आर आर बैंक डिटेल्स, आप बैंक डिटेल्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 9115120675 नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका नाम सेंड करना है ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा। राइट मैम, ओके चंद्रिका जी, आपको मैं अभी थोड़ा एक बार इनका लेके चंद्रिका जी को ना अनम्यूट कर दूंगी। बोलिए टोनी सर, क्या है टोनी जी? मैं, मेरा नंबर है 908। यस मैम, एक मिनट धीरे धीरे बताइए, मैं लिख रही हूँ। 9084 8249 39 39। कब से है ये नंबर? ये नंबर अराउंड 6 महीने से है। तो इसकी वाइब्रेशंस आपको कुछ फील हुई है लेने के बाद? हाँ, मैं यूज कर रहा हूँ ये नंबर 6 महीने से, मैं यूज कर रहा हूँ। बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है, मेरी तरह तो रिकमेंडेशन ऐसे चेंज कर लीजिए। ओके, आप रखेंगे, आपको इसके वाइब्रेशंस फिर आने लगेंगे, आपको तब पता, मतलब समझ भी आने लगेगा कि क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आप वैसे गुड प्लानर हो। आप ऐसा कौन सा काम करते हो जिसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों मैन वुमेन दोनों है? कौन सा ऐसा आपका बिजनेस है या जॉब है? नहीं मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी।
अब स्टूडेंट है, तो जॉब जो ये आपने नंबर दिया है, आप स्टूडेंट क्या वो कर रहे हो, यूपीएससी? नहीं मैम, मैं गवर्नमेंट का एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो छोड़ दिया, वो नहीं हो रहा। छोड़ दिया? नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अभी मैं नंबर बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत हार्ड वर्क कराएगा ये नंबर आपसे, ठीक है? और मतलब एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, और आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, क्रॉनिक डिजीज, एडिक्शन, ये सब फील होगा। ओके, इफ यू आस्क मी, मैं यही कहूंगी कि आप कोशिश कीजिए नंबर बदल लीजिए। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बता दीजिए मुझे। जॉब्स के बारे में मैम, जॉब डिले है, स्ट्रगल है आपके साथ अभी? ओके, और फैमिली लाइफ, मतलब मैरिज एंड ऑल? मैरिज तो आपका थोड़ा लेट होगा, अब इस नंबर ही ऐसा आपका, ये नंबर भी मैरिज भी नहीं कराने देता। बातचीत चलेगी अटक जाएगी, बातचीत चलेगी अटक जाएगी, ठीक है? ऐसा हुआ है अभी तो आपको 6 months हुए हैं। आई डोंट नो आपने ये नंबर किस किस कहां से लिया था, इट्स नॉट वेरी गुड। और एक नंबर है वो, दूसरा पापा का भी नंबर, वन नंबर, ठीक है? ओके, आई हैव टू टेक तन्वी, देन वी विल फाइंड इट आउट। थैंक यू वेरी मच। ओके तन्वी, राइट, अनम्यूट हो जाओ आप। बताओ बच्चे, कैसे हो आप? तन्वी मैम, फिर से अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए थे। हां जी, बोलो तन्वी, आपका क्या कहना है? मेरा नंबर है 9646 9646 40 6319। कब से ये नंबर तन्वी? मैम 6-7 years से। व्हाट आर यू डूइंग, क्या काम करते हो आप? मैम मैं बेकरी का काम करती हूँ घर से। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ते हो आप? वैसे तो मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, बट वैसे मुझे शौक है बहुत ज्यादा वैसे भी पढ़ने का, अदर देन लाइक स्टडीज। योग इज शोइंग समथिंग एल्स, मैं वो यहाँ नहीं बोलूंगी, बाद में बताती हूँ आपको। बाकी अगर मैं देखूं, ओके, आप भी थोड़ा सा रिस्क रिलेटेड है आपके अंदर ये टेंडेंसीज? सॉरी, कैसे रिस्क टेकिंग? हाँ, रिस्क टेकिंग, लाइक आप रिस्क ले लेते हो तन्वी? कभी कुछ चीजों में लेते हो? एंड वैसे देखा जाए प्रोफेशनली आप अच्छा कर रहे हो अच्छा, और हो जाएगा प्रोफेशनली आप करो, आपको लग्जरीज का बहुत शौक है, आप अच्छे अच्छे ब्रांड, शौक कितना नहीं है बट फिर भी मतलब आपको पसंद नहीं है आपको, अगर आपके पास ना हो तो वुड यू बी कंफर्टेबल? मतलब हाँ, मतलब मुझे और चीजों में मजा आता है, लग्जरी लाइक टिपिकल जो लोगों के लिए कार्स, कपड़े, ब्रांड्स, नॉट दैट, बट हाँ कुछ चाहिए होता है सो आई बाय दैट, बट इन इन टर्म्स में नहीं है। पर लेकिन इस नंबर से मुझे जो समझ आया, मैंने इसीलिए आपको बोला, आपका ये नंबर वैसे टोटल कितने नंबर है? 5 नंबर है टोटल इसके अंदर, ठीक है? तो 5 नंबर है और इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन कर पाना इज नॉट पॉसिबल इन दिस वन, ठीक है? रेपिटिशन है ना, 6 रिपीट है, 4 रिपीट है ना, तो इस वजह से नंबर मेरे पास पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही, बट जो भी नजर आ रहा है उससे मैं जो जान पा रही हूँ, आप अच्छे प्लानर हो, प्लान अच्छा कर लेते हो अपना काम, ठीक है? और सिंस यू सेड दैट यू आर फ्रॉम बेकरी, दैट प्रूव माय पॉइंट दैट इन्वॉल्व विद अदर मेन एंड वुमेन इन द बिजनेस, ठीक है? आप दोनों से आपका वास्ता पड़ता है, ठीक है?
और कुछ स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बिल्कुल मैम है, सोराइसिस है बट अभी ठीक हूँ मतलब। और इसमें क्या लिखा है? पैचेस ऑन द स्किन, तो आपके स्किन में पैच आता होगा या हेयर में पैच आता, तो दिस इज कमिंग आई कम टू नो विद द नंबर। सी दिस इज व्हाट द ब्यूटी अबाउट द फोर नंबर दैट इट टेल्स एवरीथिंग अबाउट। कुछ चीजें ऐसी मैं बोल भी नहीं पाती कई बार प्लेटफॉर्म, ठीक है। और आपको अभी सिंस यू आर नॉट मैरिड सो दिस नंबर, आर यू मैरिड तन्वी? नो मैम नो। So this is gonna give you a restriction to getting married. आप अच्छे एडवाइजर हो, आप भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, you have your own mind. बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही मैम। So this is what I said. So the thing is this, ये नंबर ही आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। वैसे आपको एजुकेटेड बनाएगा, आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएगा ये नंबर, बट एक लोग है जो दो तीन जो आपको परेशान कर रहे हैं। एक तो मैरिज का मैंने बता दिया और एक मैं, ठीक है ओके ठीक है तन्वी मैम। आप बोल सकते हो वैसे ऐसा मतलब मुझे ऐसा नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐसा दैट इज नहीं बट वेल दिस इज दिस योग one of the yoke is attracting you to the not so good aspect of the life, like checking you something with the extra marital jaisa rehta hai, sex related issues wo aapko aa sakte hain ma'am। Thank you, baki main aapka course ye wala to join karungi to baki main aapse aap sabko batana chahungi ki jo मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स हुआ है कल परसों एंड हुआ है, उसमें इस तरीके से आपको वीडियो दिए जाते हैं, एक एक चीज समझा देती हूँ। आप उसको सुनने के बाद लगेगा ही नहीं कि मैम आई एम नॉट सिटिंग विद यू, ऐसा लगेगा आई एम सिटिंग विद यू। फिर भी आप वीडियोस और वो लेकर भी कर सकते हो, और मैं आपको एक चंद्रिका जी है मैं आप उनके बारे में सुनी, उन्होंने हमारा कोर्स। हाँ जी चंद्रिका जी आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी चंद्रिका जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली हम ये मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं कि मैं भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी ए कोर्स जो अभी खत्म हुआ है वही किए हैं। अभी देखिए मेरे पास कोई भी बहुत सारे मैंने एक एक जन का दो तीन चार करके मोबाइल नंबर रहता है, कोई भी मोबाइल नंबर आता है ना मुझे देख कर लग रहा है कि बापरे बाप इनके लाइफ पे तो इतना स्ट्रगल है, इतना कुछ प्रॉब्लम है, ये सब जो देख के लग रहा है तो क्या सोल्यूशन दू उनको, ठीक है ना। हेलो यस यस मैम बताइए बताइए। तो ये इसीलिए मेरा यही बोलना है कि आप अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए आप जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे इतना फायदा हुआ है। क्योंकि पहले तो मैं मेरा घर का जितने सारे जिनको हम जानते हैं जिनको जिनका ऊपर इफेक्ट आ रहा है मोबाइल नंबर का, उनका रेमेडी से या मोबाइल नंबर चेंज करा के हम उनको थोड़ा सुधार उनका लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। और दूसरे बहुत सारे जन का, क्योंकि मोबाइल नंबर एक ऐसा है कि जो हम लोगों के साथ 20-25 साल तक रहते हैं माने कि पूरा रहता है पूरा उम्र, एक बार ले लिया तो वो परमानेंट हो जाता है। बहुत कम है जो मोबाइल नंबर हम लोग फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा एक जगह है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बहुत ही एक जगह माने आपको बना देगा आपके लाइफ में भी और इनकम में भी, आपको एक अलग टाइप का सोर्स तैयार करेगा इनकम में। तो मुझे हम न्यूमरोलॉजी भी किए हैं, ये मेरा बहुत ही अच्छा लगा ये वाला कोर्स। और वैदिक जो स्विच वर्ड है उसका भी कोर्स किए हैं, उसमें भी एक से बढ़कर एक स्विच वर्ड है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जरूर कीजिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक स्विच वर्ड दोनों। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल। ऐसे ही अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, और उसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड उसके साथ साथ उसके सपोर्टिंग में वैदिक स्विच वर्ड्स,
तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 26 जून से हमारा ये वर्कशॉप स्टार्ट होगा। एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 999, उसके साथ कॉर्ड कटिंग का वर्कशॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा और उसके साथ रिकॉर्डिंग पीडीएफ विद ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 999 ओनली, दिस इज एनिवर्सरी ऑफर। एंड उसके साथ अगर आप मोबाइल न्यूरोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हैं, एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूरोलॉजी, आपको वीडियोस दिए जाएंगे क्योंकि फिलहाल अभी हाल ही में हमारा मोबाइल न्यूरोलॉजी का क्लास कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2766 एनर्जी एक्सचेंज पे करके एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूरोलॉजी वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस आपको दिए जाएंगे, डाउट्स भी क्लियर कराए जाएंगे एंड उसके साथ 151 रामबाण वैदिक स्विचवर्ड का वर्कशॉप भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा जो 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के दोनों वर्कशॉप बहुत ही अमेजिंग है। आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे, वैदिक स्विचवर्ड्स भी सीखेंगे। तो आपको करना है 9115120675 पे जीपे फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट। सेम नंबर पे ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपका नाम भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा। ये हमारे बैंक डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। सेम नंबर पे ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा। सो इसी के साथ आज का मास्टर क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नहीं दे पाए तो सॉरी, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट मास्टर क्लास में आपके सारे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। ऐसे ही आपका प्रोत्साहन बनाए रखें और हमें आशीर्वाद करते रहें ताकि आपके लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस लेके आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन पार्टिसिपेटिंग इन आवर मास्टर क्लास। एंड यहाँ पे दोनों मैम का धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपको इस साइंस के बारे में अवगत करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ओम साईराम टू यू ऑल एंड ओम साईराम बोथ ऑफ यू मैम।